वनकम मेरे प्यारे टमाटरों, मैं आपका प्यारा विनय कुमार शूट फिर हाजिर हूं अपने बच्चों के लिए एक और ऐसे सेशन को लेकर जिसका बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपके पेपर में 4 से 8 मार्क्स दिला सकता है। सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो आज के सेशन में लाइव आए हैं या वो इस वीडियो को ओपन कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के पीछे भाग रहे हैं और आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं तो इससे ये क्लियर कट शो होता है कि आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं जो अपने हर एक क्वेश्चन के हर एक 4 मार्क्स अपने पेपर की वैल्यू करते हैं। तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपकी रैंक को बहुत इंप्रूव कर सकता है। आप किसी एक प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, आप एक अच्छी इंजीनियरिंग में अपग्रेड हो सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं तो आप सब बधाई के पात्र हैं, बिकॉज आप सब सिंसियर हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके। बहुत टाइम से आप लोग कुछ टॉपिक्स की वीडियो डिमांड कर रहे थे, तो मैं एक बार फिर यहां बता दूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, हमने एक वीडियो और की है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर। वो भी एक क्वेश्चन हर साल आपका जेईई मेंस के पेपर के अंदर मिलता है। और आज बेटा मैं बात करने वाला हूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और साथ में रिजॉल्विंग पावर के ऊपर भी बात करेंगे लास्ट में चल के, जिससे रेडीमेड क्वेश्चंस बेटा आपको पेपर में मिलते हैं और आपका बहुत इजीली वो नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं अगर आपको वो सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आज का सेशन आप लोगों की प्रिपरेशन में एक कदम और आगे होगा, तो सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार अपनी मुझे अटेंडेंस लगा दें और मुझे क्लियर कट चैट बॉक्स में बता दें कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमें क्लियरली ऑडिबल विजिबल, प्यार मोहब्बत वाले दिल बना दीजिए, जय माता दी कर दीजिए और अटेंडेंस लगा दें। आपको पता है ना विनय सर के लेक्चर में अटेंडेंस कैसे लगानी होती है, तो ये जो बटन दिया है आपको नीचे डिजिटल दुनिया के डिजिटल रूल्स है तो उसको दबा दीजिए और अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी। हेलो अंशु जी, हेलो सूरज बेटा, हेलो श्रिया, हेलो कबीर भाई, क्या हालचाल? यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, आई एम ऑल वेल, आई होप आप सब भी मजेदार तरीके से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं। कृष्णा जी, भावेश जी, क्या बात है जी, सब आ चुके हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो टमाटर जी सब आ चुके हैं, तो इसी के साथ सेशन बेटा फटाफट शुरू करेंगे बिना समय बर्बाद किए। तो आप में से जिस किसी बच्चे ने वर्नियर कैलिपर की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा, उसके ऊपर भी आपको स्क्रू गेज मैंने लास्ट ही एक वीडियो की है जिसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं, उसको भी जरूर देखिए, उसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है और आज के सेशन में भी आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये तो अब तक तुम कर चुके हो, अगर किसी ने नहीं किया तो मेरे भाई अब कर ले यार, अब कितना कुछ टाइम बचा है, टाइम रहते कर लीजिए, है ना। और साथ ही साथ हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे सीबीटी मोड टेस्ट भी मिल जाते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में एक अच्छी तैयारी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे शायद जो एक सीबीटी मोड टेस्ट अच्छा नेशनल लेवल का देने के लिए ढूंढ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे भी हमारे चैनल पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी पार्ट आप बने रहेंगे। और अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे हमारे आज के सेशन की तरफ कि विनय सर, ये सवाल हर बच्चे के दिल में आता है कि सर इतनी दूर दूर हम गैलेक्सीज को देख पा रहे हैं, हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख लेते हैं, हम बैक्टीरिया को देख पाते हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट्स को जूम करके देखना उसका एक अपना फन है और दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से मैग्नीफाई करके देखना, गैलेक्सीज की डिस्कवरी करना, इतनी दूर से इतनी अच्छी तरह पिक हमें कैसे मिल जाती है, टेलीस्कोप के बारे में यह बात हो रही है। तो आज का जो सेशन है कुछ इन्हीं सवालों के ऊपर बेस रहेगा और बेसिक से आज के सेशन को शुरू किया जाएगा कि आपके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे के लॉजिक्स और इनके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आज के सेशन के हाइलाइट्स बता दूं बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो आपको चाहिए होंगे इस पूरे टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, हम मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कैसे करते हैं किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो सारे बेसिक फंडे वाले आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की जिसके अंदर स्ट्रेस्ड और रिलैक्स्ड विजन रहती है नियर और फार पॉइंट के ऊपर, फिर बात की जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, फिर टेलीस्कोप की और लास्ट में सेशन के एंड में हम आपको रिजॉल्विंग पावर के ऊपर भी बताएंगे। बीच में साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा उसके अराउंड एक अच्छा न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो पूरा पैकेज आपके लिए आज आया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप लोगों ने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आपको कुछ धुंधला दिख रहा है, सभी बच्चे जो मुझे अभी देख रहे हैं या इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखें, एक बार अपने हाथ को बिल्कुल अपनी आंखों के पास ले आइए, एकदम से ऐसे जॉन सीना का जैसे होता था ना यू कांट सी मी, बिल्कुल वो वाला एकदम माहौल बनाते हुए बिल्कुल अपने हैंड को अपने आंखों के एकदम पास ले आओ और आप सब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ आपको कुछ कुछ धुंधला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जैसे आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत पास किसी ऑब्जेक्ट को ले, रीड करने की भी किसी टेक्स्ट बुक की अगर हम कोशिश करें तो हमें वो नजर में नहीं आता। एक कम से कम डिस्टेंस आपको रखना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को ढंग से देखने के लिए और उसे कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपसे 25 सेंटीमीटर मिनिमम रहना चाहिए। उसके अंदर अगर आपने उसे देखा तो आपको उसकी इमेज क्लियर नजर नहीं आएगी। नॉर्मल आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है, और जैसे जैसे मेरे टमाटर आप बूढ़े होते जाते हैं, है ना, यस सर, और जैसे जैसे मेरे टमाटर बूढ़े होते जाते हैं, है ना, समय के साथ आप लोग जैसे आपका बुढ़ापा भी आएगा, आप भी बूढ़े हो जाओगे, है ना, हम थोड़े थोड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे तुम भी होते जाओगे। तो एक ऐसी एज आएगी जब आपका ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आपको 50 सेंटीमीटर के अंदर भी धुंधला दिखाई देगा, आपको 70 सेंटीमीटर के अंदर भी धुंधला दिखाई देगा। कई बच्चों ने ऐसा देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी नाना जी, कई बार आप उनसे मिलने जाते हो तो वो ऐसे दूर से देख के सब उनको सब सेम लगते हैं कि यार ये पोतरे हैं, ये दोतरे हैं, ये दोतरियां हैं, ये पोतरी हैं, है ना। हमारे पंजाब में जो ग्रैंड सन्स और ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको पोतरे दोतरे बोलते हैं, तो उनको लगता है यार ये सब सेम से ही है, मतलब वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है ना, मेरे जो नाना जी थे वो मुझे देखकर मेरे किसी कजन ब्रदर का नाम ले लेते थे, अरे यार तू वही, और मैं भी कहता था हाँ ठीक है यार नाना जी वही, बिल्कुल मान के चलो वही मिलने आए आपको। तो ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये आपका धुंधलापन है, ठीक है। मैं आपको बस ये बता देता हूं कि नॉर्मल आई के लिए इसकी जो वैल्यू रहती है आपकी, है ना, दिस इज फॉर योर नॉर्मल आई। तो जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस जिसके अंदर आपको साफ नजर, है ना, वो कम से कम डिस्टेंस जिससे आपको साफ नजर आ जाए, इसके अंदर अगर आप आगे तो आपको अच्छा नजर नहीं आएगा, उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और ये मान के चलिए बेटा दूर का कोई अंत नहीं है, दूर आप जितना मर्जी चले जाओ, इन्फिनिटी तक चले जाओ, अगर आई आपकी करेक्टेड है तो वो इन्फिनिटी तक करेक्ट देख सकती है। और इन्हीं को हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट बोलते हैं। ये जो नियर पॉइंट होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और जो सबसे दूर तक आप देख सकते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जब हम बेटा किसी चीज को 25 सेंटीमीटर पे देखते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाता है स्ट्रेस्ड विजन। ये याद रखिए बात को, उसे कहा जाता है क्या विनय सर, स्ट्रेस्ड विजन। इस अरेंजमेंट को जब आप बिल्कुल मतलब आप बाउंड्री पे खड़े हो, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, हल्का सा भी अंदर आए तो आपको साफ नजर नहीं आएगा, तो इस अरेंजमेंट को स्ट्रेस विजन कहते हैं। और जब आप किसी चीज को इंफिनिटी पे जाके देखते हैं उसे बेटा हम रिलैक्स, मतलब अब आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, दैट इज योर रिलैक्स्ड विजन। और इसी को हम कई बार नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम भी दे देते हैं। तो ये समझ में आपको आना चाहिए मोर और लेस, ये सब एक ही बातें हैं जो आपके सामने कही जाती हैं। रिलैक्स्ड विजन हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया, फार पॉइंट हो गया, नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन हो गया, कहीं ना कहीं ये सारी एक ही पॉइंट को रिफ्लेक्ट करती है। डन है मेरे टमाटरों, यस सर, जय माता दी, परफेक्ट है, बल्ले बल्ले है। चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे। इसकी जो वैल्यू है ये याद रखिए, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जब भी बेटा हम किसी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करेंगे, हमने अब तक इससे पहले जितने भी ऑप्टिक्स के क्वेश्चन किए, आप हमेशा मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते थे, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो पुरानी बातें हैं, वो नॉर्मल केसेस में वैलिड है। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो हमेशा बेटा आपकी मैग्नीफाइंग पावर डिसाइड होती है, मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस किया जाता है जो कि डिफाइन होती है एंगल से। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से देखो, देखो ये सेम एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे आई के पास लेके जा रहा हूं। इस एनिमेशन को आराम से देखिए, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का एंगल देखें आई पे, आप इसका एंगल देखें, एंगल बढ़ता जा रहा है, आप जितना उसको पास लेके आएंगे उतना एंगल बढ़ता जा रहा है और उतना बड़ा वो आपको नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर किसी ट्रक को बहुत दूर से देखें, आपको वो छोटा दिखता है, लेकिन वही ट्रक अगर आपके पास आ जाए तो उसका साइज बड़ा दिखता है, वो बिल्कुल आपके पास आगे खड़ा हो जाए, आपको अपने घर जितना बड़ा वो ट्रक नजर आता है। बेसिकली उसका जो रीजन है, जितना आप दूर जाओगे उतना एंगल आपकी आंख पे छोटा होगा और जितना आप उसके पास आओगे उतना एंगल ज्यादा होगा। तो आपकी आई पे मुद्दे की बात अगर मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूं, इफ दिस इज योर आई, एक ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, एक ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल से डिसाइड होगा आपको उसकी कितनी इमेज नजर आएगी, आपको उसकी जो है लेंथ जो है इस ऑब्जेक्ट की कितनी नजर आएगी वो एंगल से डिसाइड होगा। और ये सेम ऑब्जेक्ट जब आपके पास आएगा तो आपको बड़ा दिखेगा, उसका रीजन बहुत सिंपल है, आप इसे पास ले आइए एंड यू कैन सी कि विनय सर ये जो एंगल है ये आपका यहाँ पे अब बढ़ गया, इट बिकम्स थीटा डैश एंड थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। और जो आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं कि यार जो मून है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन बहुत दूर है तो उसका एंगल हमारी आंख पे छोटा तो हमें वो छोटा दिखाई देता है। आप पास जाते जाओ मून के पास चले जाओ आपको वो अर्थ जितना बड़ा भी नजर आना शुरू हो जाएगा जितना आप उसके पास जाओगे, बिकॉज उसका एंगल सबटेंडेड एट योर आई विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है मेरे टमाटरों, यहां तक कहानी समझ में आ रही है अपने को,
ये बिल्कुल 2022 वालों के लिए है। मैं स्पेशली यहां पे बता दूं, ये जो सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स उठा के चूज कर रहा हूं जो बच्चे छोड़ देते हैं या जिनमें वो स्ट्रगल करते हैं, जिनकी सिर्फ एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको ना पता हो तो आपका वो क्वेश्चन चला जाता है, और अगर पता हो तो देखते ही आंसर मार्क करोगे, अपना टाइम भी पेपर में बचाओगे। कॉम्पिटिशन की मेन गेम बेटा टाइम होती है, तो स्पेसिफिकली ये सेशन 2022 वालों के लिए है। बाकी कोई और अगर बैठा है तो उसकी श्रद्धा है, जरूर देखे, कुछ ना कुछ तो सीख के जरूर आप जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे। ये हो गया हमारा एंगल वाली बात। अब एक बात याद रखना, जब भी हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे हम हमेशा मैग्नीफाइंग पावर जो डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन नहीं होती है, इसको अलग वर्ड दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर। ये हमेशा एंगल से डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहले आपने यहां पर लेनी है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज दैट इज थीटा आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन है, ऑब्जेक्ट जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा गया है, थीटा ओ पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आप उससे पास लेकर नहीं आ सकते, आप इस बात को समझिए। मैग्नीफाइंग पावर आप डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के लिए डेफिनेशन वैलिड है, ये मैं लिख दूं, इट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर यहां पर डिफाइन की जाती है, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के एंगल पे कंडीशन है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है एचओ हाइट का वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा जाए, मतलब आई से उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज कैपिटल डी। और अब यार ये जो एंगल सबटेंड करेगा आई पे, जो आप देख सकते हैं दैट एंगल इज थीटा ओ, और इसकी जो वैल्यू है अगर ये एंगल सब स्मॉल ले लिए जाए तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इट इज इक्वल टू एच ओ बाय डी, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये जो थीटा ओ है इस पे कंडीशन लग रही है, थीटा आई आपका डायरेक्ट इमेज जो एंगल आई पे बनाएगी अपॉन थीटा ओ पे आपकी कंडीशन, ठीक है। दिस इज द वे हाउ वी डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और जब आप टेलीस्कोप में चले जाओगे, मैं आगे जाके बताऊंगा भी, मैं आपको यही बता देता हूं, टेलीस्कोप के अंदर ये एंगल थीटा वो डायरेक्ट एंगल होगा। अब डेफिनेटली टेलीस्कोप पे तुम दूर वाली चीजें देखोगे, तो अब तुम मून को तो 25 सेंटीमीटर पे नहीं लेके आओगे ना, बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा। तो मून उस केस में आपका टेलीस्कोप के केस में डायरेक्ट एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है और डायरेक्ट एंगल जो इमेज बना रही है उनकी जो रेशियो है वो आपको मैग्नीफाइंग पावर दे देती है। स्टिल अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, बस सुनते रहो, एक मिनट और अगर हम आपके साथ आगे डिस्कशन करें तो आप इजिली इस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को हल्का सा भी डाउट है डोंट वरी, आराम से 5 मिनट सुनो, 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक आपका क्लीन हो जाएगा। दैट इज योर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यार ये तुम्हें पता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये तो तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, चैट बॉक्स में एक बार बता दो यार, देखा है कि नहीं देखा, मजे लिए हैं ना ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास घर पे रख के, ऐसे करके मजे लिए हैं, कोई चीज बड़ी होगी छोटी होगी, ऐसे टॉयज भी बहुत सारे आज की डेट में भी बच्चों के लिए बनते हैं। तो यार जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और आप इजिली ऐसे बहुत सारे सिमुलेटर्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, वैसे तो ये बहुत खेलने वाली चीज है, आपके घर पे भी अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं। तो आप किसी चीज को जब मैग्नीफाई करके देखते हैं थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं होता, सिंपल से एक सेटअप होता है जिसके अंदर आपका एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखते हो, बेसिकली ये जो ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज नथिंग, इट इज कन्वेक्स लेंस, और इसके उस साइड पे होता है आपका ऑब्जेक्ट और उसी साइड पे उसकी मैग्नीफाइड इमेज आपको नजर आती है ना, उसी साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं ये मैग्नीफाइड इमेज आपको नजर आ रही है। तो एक्चुअली अगर आप इसका सेटअप देखें तो आपका एक कन्वेक्स लेंस होता है, उस कन्वेक्स लेंस के जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, आप इधर से देख रहे हैं ना, देखो ये आपकी आई होगी, जिस साइड पे आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसी पे उसकी मैग्नीफाइड इमेज आपको उस साइड पे बड़ी हुई नजर आती है। तो कुछ नहीं होता, ये आप हमेशा याद रखिए, आप ऑब्जेक्ट को बेटा रखते हैं उसकी फोकल लेंथ के अंदर, ये जो भी आपका कन्वेक्स लेंस है, ये जो भी आपका कन्वेक्स लेंस है, आप इस कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है मेरे भाई उसे हम कह देते हैं यहाँ पे लेट्स से दैट इज एचओ, है ना, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे हम कह देते हैं मेरे टमाटरों कितना, एचओ के बराबर। अब सुनते जाए, स्ट्रेस डिविजन की बात हो रही है यहाँ पे, और स्ट्रेस डिविजन हमारी वो वाली विजन होती है जिसमें हमारा जो फाइनल इमेज बनता है दैट इज एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपने सुना होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं उसका एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनता है,
रे डायग्राम आपके सामने है। पहली रे आपकी जो है ये फोकस से पास हो रही है, दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और अगर आप इस आई में भेजें तो ये रीट्रेस करके ऐसा लग रहा है कि पीछे से आपकी एक हाइट है, एक पॉइंट है जहां से वो रेस निकल के आ रही है। तो दैट इज दी मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। तो स्ट्रेस्ड विजन वाला केस हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस्ड विजन में हम हमारा फाइनल इमेज जो बनाते हैं दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डन है विनय सर, बिल्कुल यहां तक सारी कहानी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में दिल बना के दिखा दो, यहां तक समझ में आ रहे हैं ना? यहां तक समझ में आ रहे हैं? नोट 100% मिल जाएंगे, रात को अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। नोट्स की चिंता नहीं करनी, बिल्कुल हैंड रिटन नोट जो भी यहां स्क्रीन पे लिखूंगा सबको मैं अपलोड हो जाएगा, और तुम्हें बिल्कुल टू दी पॉइंट डिफाइंड नॉलेज जो है जो चाहिए पूरे बेसिक के साथ आपको यहां बताई जाएगी। ठीक है, डन है, परफेक्ट है। अच्छा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, ये इमेज कितना एंगल आई पे बना रही है, ये इमेज कितना एंगल आई पे बना रही है, इस एंगल को कहा जाएगा एंगल थीटा आई। ठीक है, इसको कहा जाएगा डायरेक्ट जो इमेज एंगल आंख पे बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज बच्चों एंगल थीटा आई। तो मैग्निफिकेशन बेटा जो होती है दैट इज थीटा आई बाय थीटा ओ। लेकिन एक बात याद रखना, थीटा आई जो रहता है ये रहता है डायरेक्ट एंगल जो हमारी इमेज ऑब्जेक्ट पे आई पे बना रही है, थीटा ओ पे कंडीशन है। अब तुम अगर फिगर से देखो तो तुम्हें दिखेगा ऑब्जेक्ट भी सेम एंगल बना रहा है, सर इमेज जो एंगल बना रही है ऑब्जेक्ट भी तो वही बना रहा है, फर्क क्या रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट के एंगल पे कंडीशन है, आपको ऑब्जेक्ट को भी रखना है, आपको यहां पे ऑब्जेक्ट को भी रखना है। ये जो मैंने पीछे आपको बताया ऑब्जेक्ट के ऊपर कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को भी हमें कैपिटल डी पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को भी अगर हमें कैपिटल डी पे रखना पड़ेगा और जो वो हमारा एंगल तब बनाएगा दैट इज थीटा ओ। दैट इज बच्चों थीटा ओ, कैपिटल डी पे ऑब्जेक्ट को रख दो और थीटा ओ की अगर मैं वैल्यू निकालूं इट इज बच्चों एच ओ बाई डी, ये एच ओ बाई डी के बराबर है। तो थीटा ओ की वैल्यू आपको जो लेनी है वो ये लेनी है, थीटा ई जो लेना है आपको ये लेना है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इसी फिगर में थीटा ओ देखना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में आपको बता देता हूं, आपको इस ऑब्जेक्ट को भी पीछे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, विजुअलाइज करिए, कैपिटल डी पे जब आप इस ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो एंगल वो बनाएगा वो एंगल अब आप देख सकते हैं, वो एंगल होगा आपका छोटा दैट इज थीटा ओ। इमेज का जो एंगल है दैट इज बच्चों बड़ा दैट इज थीटा आई। तो डेफिनेटली आपको यहां पे मैग्नीफाइंग पावर मिल रही है इन टर्म्स ऑफ द एंगल। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है मेरे बच्चों? परफेक्टली क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है विनय सर। ठीक है, तो बस बेटा गेम आपकी पूरी यहां पे सेट हो गई। अब आप एक काम कर लीजिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसको अपन थोड़ा सा खेल लेते हैं। अब मैं जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इस ऑब्जेक्ट का, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट का यहां से जो डिस्टेंस है लेंथ से उस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूं, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू x। तो इस बात को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं थीटा आई की वैल्यू निकालूं तो थीटा आई किसके बराबर है? अगर मैं इस फिगर से निकालूं, एक तो आप देख सकते हैं कि भाई बड़ा इमेज एच आई, ये हाइट ऑफ इमेज एच आई ले लो, ये डी ले लो, तो थीटा आई यहां तो एच आई बाई डी लिख सकते हो तुम, टोटल हाइट बाय टोटल लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तुम इस छोटे ट्राइंगल से बेटा इसकी वैल्यू निकालो दैट इज एच ओ बाय एक्स, एच ओ बाय एक्स। इसका फायदा देखिए, इस छोटे ट्राइंगल से अगर मैं एच ओ बाय एक्स अगर लूं तो इसका बेनिफिट देखिए आपको क्या मिलता है, आपका बहुत ही प्यारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर का, दैट इज थीटा आई विच इज एच ओ बाय एक्स अपॉन थीटा ओ दैट इज बच्चों एच ओ बाय डी। तो एच ओ की टर्म्स में लिखने का बेनिफिट ये है कि एच ओ से कट जाएगा और यार ये वैल्यू बन जाएगी d बाय x। बच्चों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, इट इज नॉट मैग्निफिकेशन। हम यहाँ पे जो एंगल्स की रेशियो से हमें जो मैग्निफिकेशन मिलती है उसका हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग पावर, करेक्ट है? जिसकी वैल्यू होती है d बाय x, बिलीव मी बच्चों इसके ऊपर डायरेक्ट इमेज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, और अब हम यहां पे क्योंकि हम स्ट्रेस्ड विजन के अंदर हैं, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है d बाय x, हमेशा याद रखिए दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट करते, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम बेटा स्ट्रेस्ड विजन के केस के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस्ड विजन की बात करूं तो फाइनल इमेज जो हमारी बन रही है वो कैपिटल डी पे बन रही है। तो अगर मैं आपके लिए यहां पे लेंस फॉर्मूला लगा दूं 1/v - 1/u = 1/f, तो आपको ये बात पता होगी कि भैया जो v है वो माइनस डी है, u जो है वो माइनस एक्स है इक्वल टू 1/f, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी बच्चों इंसिडेंट रे है और हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज माइनस एक्स और इमेज डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं दैट इज बच्चों माइनस।
तो v हमारा माइनस डी है, u हमारा माइनस एक्स है। इस इक्वेशन से इजिली आपको 1 बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे दैट इज एफ इंटू डी बच्चों अपॉन एफ प्लस डी। इसका बेनिफिट देखिए, अगर मैं स्ट्रेस डिवीजन की यहां पे बात करूं, ठीक है ना, अगर आप यहां पे स्ट्रेस डिवीजन की बात करें, स्ट्रेस डिवीजन दैट इज एट नियर पॉइंट, जब हमारी फाइनल इमेज जो बन रही है ना, फाइनल इमेज जो हमारी बन रही है वो हमारी बन रही है कैपिटल डी डिस्टेंस पे, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर बेटा आप यहां पे निकालें दैट इज डी बाय एक्स, और एक्स की वैल्यू बेटा अभी आपने निकाल ली इस केस में, दैट इज एफ इंटू डी इंटू एफ प्लस डी। तो आप यहां पे देखिए डी से डी कट गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा इजिली आपकी निकल आएगी, एफ अंदर ले जाओ इंटू वन प्लस बच्चों डी बाय एफ। तो हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखें, इन केस ऑफ स्ट्रेस डिवीजन आपकी जो मैग्निफिकेशन होती है उसकी वैल्यू होती है वन प्लस डी बाय एफ, ठीक है, एंड दैट इज यू नो डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है अपने को, एवरीवन फुली क्लियर? अच्छा, अब यहीं पे थोड़े से और मजे ले लेते हैं। सोच के देखो, ओरली सॉल्व करेंगे, अगर हमारा ये रिलैक्स डिवीजन हो यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, तो फाइनल इमेज जो बनी है वो बननी है हमारी इन्फिनिटी पे। तो अगर फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी तो उसका एक ही केस बनता है कि भैया ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा वो फोकस पे होगा। तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या निकल के आएगा, डी बाई एक्स, और जो एक्स होगा वो होगा हमारा एफ। तो उस केस में हमारा रिलैक्स डिवीजन के केस में है ना, ये हमारा सारा स्ट्रेस डिवीजन का मैंने आपको यहाँ पे सिचुएशन दे दी है। अगर मैं रिलैक्स डिवीजन की बात करूं, फाइनल इमेज हमारी बनेगी बेटा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट जो हमें रखना है एक्स की वैल्यू जो है वो फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगी, दैट एक्स इज इक्वल टू एफ, डेफिनेटली रेज आपकी पैरेलल जाएंगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी डी बाई एक्स, और एक्स जो है मेरे भाई दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है। बाकी सारी सिचुएशन आपकी सेम है, इस बात को आप अपने, इसको हम, ये मैं बता देता हूं, रिलैक्स डिवीजन का दूसरा नाम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी होता है, तो डरना नहीं है। अच्छा, ये भी एक बात बता दूं, अगर आपको पेपर में मेंशन नहीं है कि कौन सी सिचुएशन आपकी चल रही है, तो ये याद रखना बाय डिफॉल्ट यही वाली होती है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है बहुत अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं है बाय डिफॉल्ट जो विजन आपको अज्यूम करनी है मैग्निफिकेशन की, वो रिलैक्स विजन, मतलब आराम से आप इंफिनिटी तक किसी चीज को देख रहे हो। तो भाई व्हाट आई गाइस वांटेड टू से है ना, दैट इज डी बाय एफ है ना। बाकी अगर कोई बेसिक से डिराइव करना चाहे तो कर सकते हो, फील कर सकते हो कि भैया इन्फिनिटी से आ रहा है, ये एंगल जो होगा ये एंगल थीटा आई होगा, तो फिगर में ही वैसे दिख रहा होगा आपको, थीटा आई जो है दैट इज बच्चों एच ओ बाय एफ, और थीटा ओ तो मैंने आपको बता दिया, थीटा ओ हमारा कंडीशन वाला एंगल होता है, थीटा ओ हमारा वो एंगल होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा डी पे पड़ा हो तो उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज एच ओ बाय डी, एच ओ बाई डी। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें ये सॉल्व करके, डी बाई एफ ही निकल आएगा, या डी बाई एक्स से कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। सो गाइस, एक बात याद रखिए, हम जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भैया इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, अब क्या याद रखना है आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, क्या याद रखना है कि भैया इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये डी बाई एफ से लेके 1 प्लस डी बाई एफ तक जा सकती है। और ये बात हमेशा आप बेटा याद रखें कि आपकी जो भी मैग्निफिकेशन होगी, आप किसी चीज को या तो 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर पे आपको मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगी, बिकॉज मैक्सिमम वो आपके पास आ चुका है, उसका एंगल सबटेंडेड मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप ये मैक्सिमम हो गया ना, ये फील तो आ रही होगी तुम्हें, ये जो भाई है ये हमारा मैक्सिमम है, और ये जो हमारी मैग्निफिकेशन है ये सबसे मिनिमम है, इससे पास तो आ नहीं सकते, और इन्फिनिटी पे तुम चले गए तो भैया जो मिनिमम एंगल वो सबटेंड कर सकता है वो आपने ले लिया, तो आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी। और मोस्ट जनरल फॉर्मूला जो रहता है मैग्निफिकेशन का दैट इज डी बाई एक्स, ठीक है। ये कंडीशन तब है, ये तब मिलती है जब तुम 25 सेंटीमीटर पे इमेज को देख रहे हो, ये तब मिलती है जब तुम इमेज को देख रहे हो इन्फिनिटी पे, तुम अगर इसके बीच में कहीं देख रहे हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो रहता है दैट इज बच्चों डी बाई एक्स। कहानी क्लियर हुई, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं रह गया मन में, है ना। पीपीटी डिजाइनिंग इज ओपी, यस पीपीटी डिजाइनिंग इज ओपी, बिल्कुल। ये हमारी पीपीटी, हमारे एक निखिल सर हैं, ठीक है, हमारे बड़े अच्छे कंटेंट का संभालते हैं यूट्यूब का काम, तो निखिल सर के लिए एक बार जय माता दी कर दीजिए चैट बॉक्स में, उन्होंने ही सारा बेटा बनाया है ना, और ये अच्छा बनाते हैं तो हम आपको अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है जी। तो यार ये सारी चीजें मैंने आपके लिए प्रॉपर स्लाइड्स और नोट्स में डाल दी हैं, आप इनको आराम से रीड भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो मिलेगी दैट इज डी बाय एफ। अब मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक काम करता हूं, हाँ जी गाइस, डन, चलिए चलिए, शाबाश 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 शाबाश, हाँ जी
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बी बाई यू है एग्जैक्टली ये जो बेटा मैंने फॉर्मूला निकाला है पहले आप लोगों के लिए मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं ये मैग्नीफाइंग पावर है ये मैग्निफिकेशन नहीं है ये जो फॉर्मूला है m ये जो m है इट इज मैग्नीफाइंग पावर ये मैग्नीफाइंग पावर है एंगल की रेशियो से जो मैग्निफिकेशन मिलती है थीटा आई बाय थीटा ओ ये जो एंगल्स की रेशियो से हमें मैग्निफिकेशन मिलती है इसे मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है मैग्निफिकेशन नॉर्मल वर्ड है जो वी बाय यू आप लेंसेज के लिए यूज करते थे और हम इंस्ट्रूमेंट्स में मैग्निफिकेशन वर्ड यूज नहीं करते हम मैग्निफाइंग पावर यूज करते हैं ओके ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक आपको आगे न्यूमेरिकल भी मिलेगा उस न्यूमेरिकल में आपको ये सारी चीज मैं बता भी दूंगा डोंट वरी चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे लेट्स मूव अहेड ठीक है अब बात करेंगे बेटा ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप अब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की जाएगी बेटा हमारी आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बहुत सिंपल है पहले से सीख लीजिए इसके बाद माइक्रोस्कोप के आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा बहुत सीधी सी बात है आपके दो तरह के लेंसेज होते हैं एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है बेटा आपका आईपीस यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस की जो अपर्चर होती है वो छोटी होती है रीजन आपने जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वो बहुत छोटा है ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका बैक्टीरिया हो सकता है या आपका वायरस हो सकता है तो आप जिस चीज को देख रहे हो वो बहुत स्मॉल है माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है जो आपके आसपास रहते हैं तो वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है आप चाहेंगे कि भैया हमारी जो रेज है उसी ऑब्जेक्ट से निकल के आए आसपास की सराउंडिंग्स वाली चीजें मुझे नहीं चाहिए तो इसकी अपर्चर छोटी रखते हैं ये थोड़ा जो लेंस होता है आईपीस वाला कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा बड़ा होता है पहला पॉइंट अब ये है सिंपल माइक्रोस्कोपी बस थोड़ा सा इसके अंदर हमने एक स्टेप और एडवांस किया हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखिए जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए स्ट्रेस डिविजन की बात हो रही है तो स्ट्रेस डिविजन में फाइनल जो हमारी इमेज बननी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी है फाइनल जो बननी है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये भाई मेरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को मेरे भाई हमने रखना है इस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के पीछे एफओ के जस्ट पीछे रखना है उसके पीछे का रीजन सोचो अगर तुमने इसे इसकी फोकल लेंथ के अंदर रख दिया तो इमेज वर्चुअल बन जाएगी और इस साइड बन जाएगी जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस है आप क्या कर रहे हैं आप इस ऑब्जेक्ट को पहले और मैग्नीफाई कर रहे हैं तो आप इसका एक रियल मैग्नीफाइड इमेज बना रहे हैं आप इसको एफ से थोड़ा सा पीछे रखिए ये शायद आपने कई बार सुना भी होगा अगर आप एफओ और टू एफओ के बीच में रखते हैं तो तुम्हें इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज मिलती है और रियल मिलती है जो राइट साइड आपकी बन गई तो आप देख सकते हैं कि भैया इससे रेज निकली है ना मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ये रे ऐसे गई और एक रे बेटा आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास कर दें ये रे आपकी ऐसे गई और ये रेज एक्चुअली इस पॉइंट पे मीट कर रही है और आप यहां पे फिगर में देख भी सकते हैं आपको एक इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन पे मिल गई ये रियल इमेज है अब ये जो इमेज है बच्चों ये हमने इस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के अंदर रख देनी है हमने ऐसा करना है कि भैया ये जो है आईपीस के सॉरी ऑब्जेक्टिव के नहीं आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर रख देनी है तो ये जो है हमारा अब इसको हम क्या करते हैं इसको ना मूव कर सकते हैं अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है स्कूल्स में मिल जाते हैं बहुत सारे इजिली तो वहां पे ना वो स्क्रूज लगे होते हैं रोटेट करने वाले तो उससे क्या होता है कि आप बस उस लेंस को कम ज्यादा कर सकते हो तो इस आईपीस को आप मूव कर सकते हो आप तब तक मूव करते हो जब तक आपको एक शार्प विजन नजर ना आए और ये प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिसको हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं वो जो भी मैकेनिक्स लगी होती है बेसिकली आप उसको रैक और पिनियन को रोटेट करते हो जिसके आपका वो जो आईपीस है वो एडजस्ट होते हैं और जब ये ऑब्जेक्ट हमारा इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाएगा तो हमारा बच्चों बन जाएगा उसका एग्जैक्टली अब ये बन गया आगे सिंपल अब इसके आगे ये सिंपल माइक्रोस्कोप है इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया तो इसी का एक मैग्नीफाइड इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज अब देखो यार हमने ये भी बहुत बार सुना होगा कि जो रियल इमेज है वो हमारा इन्वर्टेड होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है देखो वो गलत है अब ये हमारा इमेज जो ऑब्जेक्ट था इसके लिए इमेज का काम किया अब फाइनली उसकी फोकल लेंथ के अंदर है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप तो हमारी जो रेज है अगर इन्हें रीट्रेस किया जाए तो हमारे लिए एक ये फाइनल इमेज जो बनी वर्चुअल बनी इन्वर्टेड बनी और मैग्नीफाइड बनी देखिए वर्चुअल है बिकॉज रेज अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट और इन्वर्टेड इमेज आपकी वर्चुअल मैग्नीफाइड बन रही है ठीक है और फाइनली अगर हम इस डिस्टेंस को रख दें फाइनल इमेज अगर कैपिटल डी पे बन रही है तो वो हमारा बेटा बन जाएगा इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड विजन दैट इज द केस ऑफ स्ट्रेस्ड विजन ठीक है तो पहले तो फिगर की फीलिंग आनी चाहिए बाकी आगे मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स को आप सॉल्व कर ही लेंगे दैट इज नॉट अ बिग डील यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों एवरीवन फुली क्लियर परफेक्ट है अच्छा ब्लॉक 5 का डीबी भी नहीं अपलोड हुआ कोई बात नहीं बेटा मैं करवा दूंगा रितु बेटा डोंट वरी ठीक है मैं करवा देता हूं मुझे ऐसे बता दिया करो अच्छी बात है बता दिया तुमने वीडियो के कमेंट्स पे भी लिख दिया करो ठीक है अगर नहीं हुआ तो उसको करवा देंगे डोंट वरी
तो भाई मेरे टमाटरों बात बिल्कुल अब सेट है विनय सर जी, लाइफ की बल्ले बल्ले है, पेशावा शावा है, तो आप देख लो बेटा यहाँ पे। अब ये जो हमारा इमेज है, जो हमारा इमेज यहाँ पे बना है ना, इस इमेज की हाइट अगर आप ले ले एच आई और ये डी डिस्टेंस पे है, तो यार ये कितना एंगल हमारा बना रहा है, देखिए जरा इस चीज को, ये कितना एंगल हमारा यहाँ पे बना रहा है। इस एंगल को बेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना, थीटा आई, दिस एंगल इज थीटा आई। तो थीटा आई की वैल्यू बेटा अगर आप देखें, दैट इज एच आई बाई डी, लॉजिकल है ना, हाइट ऑफ इमेज है ना अपॉन दिस कैपिटल डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कैपिटल डी, एच आई बाई डी। लेकिन समझदारी ये होगी कि जैसे हमने पहले भी किया, अगर मैं इस हाइट को एच डैश ले लूं और इस डिस्टेंस को एक्स ले लूं, ठीक है, देखिए जरा मेरी बात को ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, इसे अगर हम एक्स ले लें तो आपको ये दिखना चाहिए इट इज एच डैश बाई एक्स, दिस इज एच डैश बाई एक्स। यस विनय सर बिल्कुल लाइफ आपकी कूल है, ये एच डैश बाई एक्स भी, एच डैश बाई एक्स भी लिखा जा सकता है, ये थीटा ही हो गया। थीटा ओ वही एंगल है, थीटा ओ पे तो बेटा सोचना ही नहीं है, थीटा ओ तो हमारा वो एंगल होगा जो ऑब्जेक्ट आई पे बनाएगा जब हमने आई को कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा, और यार ये जो एंगल अब बनाएगा, दिस एंगल इज मेरे भाई थीटा ओ, और अगर मैं थीटा ओ की वैल्यू निकाल लूं इट इज एच ओ बाई डी। हाँ जी विनय सर ये भी बात आपकी सही होगी, ये एच ओ बाई डी के बराबर है। और अब अगर आप थोड़ा सा और यहां पे बेटा ध्यान दें, देखिए मेरी इस बात को बड़े मस्त तरीके से, इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू को अगर निकाला जाए, थीटा आई बाय थीटा ओ, थीटा आई आ गया एच डैश बाय एक्स, और थीटा ओ अगर आप ले लें एच ओ बाय डी, तो यार देखो मुझे ना ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है इस फॉर्मूले को लिखते हुए, वो तुम्हें भी होगी। अब एच डैश बाय एच ओ इंटू डी बाय एक्स, बात बन गई, ओए नजारे आ रहे हैं नहीं आ रहे, एच डैश बाय एच ओ इंटू डी बाय एक्स, बात बनी कि नहीं बनी। क्या कहना चाहता हूं इस फिगर को देख के, देखो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को देख के तुम्हें बड़ा अच्छा बड़ा मजा आएगा। देखो एक तरह से मैग्निफिकेशन आपके सामने ये बन गई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, नेट मैग्निफिकेशन। अगर मल्टीपल हमारी इमेजेस बन रही है तो हमेशा याद रखिए टोटल मैग्निफिकेशन जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव की इमेज अपॉन ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव की अगर मुझे एमओ की वैल्यू लेनी है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज एच डैश बाय एच ओ, हाइट ऑफ दिस इमेज अपॉन हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और इसे बेटा आप वी बाय यू भी लिख सकते हैं, वी ओ बाय यू ओ भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हाइट वाली मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, दैट इज वी ओ बाय यू ओ। स्टिल अगर आपको ये भी थोड़ा सा लगता है तो आप यहां से बेटा इजिली निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखो बेटा ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ये एंगल अगर मैं ले लूं एंगल अल्फा, ये एंगल भी हमारा अल्फा है, तो अगर आप अल्फा की वैल्यू यहां से निकालें तो आपको दिख जाएगा अल्फा विल बी इज इक्वल टू एच डैश बाय है ना, ये जो लेंथ है हमारी यहां से लेके यहां तक वाली, ये जो इमेज की, इसे हमें इमेज डिस्टेंस कह देते हैं, दैट इज वीओ। तो दैट इज बच्चों एच डैश बाय वीओ है ना, अल्फा की वैल्यू अगर आप निकाल लें किसके बराबर है, एच डैश बाय वीओ, और यहां से अल्फा की वैल्यू अगर निकाली जाए, दैट इज एच बाय ये जो लेंथ है ये वाली, इसे हम यूओ कह देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, दैट इज एच बाय यूओ। और अब आप यहां से समझ सकते हैं एच डैश बाय एच, एच को नीचे ले आओ, वीओ को ऊपर ले जाओ, तो यही फॉर्मूला आपका दोबारा ये बन जाएगा। क्या कहते हो मेरे भाई, क्या कहते हो मेरे भाई, बात सही है, बात सही है ना, है ना, क्लियर है, क्लियर है। तो भाई बस बेटा बात पूरी सेट हो गई है, जैसे ही आप ये लिख लेते हैं आपका काम पूरा यहाँ पे बिल्कुल सेटल है, आप फील कर सकते हैं मैग्निफिकेशन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और डी बाई एक्स तो मैंने आपको बता दिया, डी बाई एक्स जो होता है ये हो गया हमारा आगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो डी बाई एक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो अब आप आगे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो मैं यहां फिर लिख देता हूं, इट इज एच डैश बाय एच, ऐसा ही है एच डैश बाय एच ओ है ना, इंटू बच्चो डी बाई एक्स, और एच डैश बाय है ना, अब आप यहां पे लिख सकते हैं एच डैश बाई एच ओ, एच डैश बाई एच ओ जो है वो है वीओ बाई यूओ, वो है वीओ बाई यूओ, और अगर हम डी बाई एक्स की वैल्यू निकालें तो इट इज वन प्लस डी बाई एफ आप ले लेंगे इन केस ऑफ स्ट्रेस डिवीजन। ये मैग्निफिकेशन आपको मिलेगी किस केस में, स्ट्रेस डिवीजन के केस में।
ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस डिवीजन के केस में जो x की वैल्यू निकल के आती है वो आती है एफ ई इंटू डी इंटू अपॉन एफ ई प्लस डी। तो अगर वैसे तो सिंपल माइक्रोस्कोप से आप याद रखो डी बाई एक्स जो है वो वन प्लस डी बाई एफ बन जाता है, और क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप आईपी से बना है तो इसलिए हम यहाँ पे एफ ई ले लेंगे। स्टिल अगर किसी बच्चे को चाहिए नहीं सर ईमानदारी से करके बताओ तो मैं ईमानदारी से, तो कर लो बेटा कोई टेंशन नहीं है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर आईपीस। और अगर आप आईपीस के लिए देखें, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो इमेज बनी है हमारी ऑब्जेक्टिव की, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये होगी इंसिडेंट रे। तो जो यू होगा हमारा वो होगा माइनस एक्स, है ना, यू जो होगा वो होगा माइनस एक्स, और इमेज भी हमारी पीछे बनी है ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे तो वो आप लोगे माइनस डी। तो सारी सिचुएशन सेम है, माइनस डी माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई एफ ई, और वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आप बेटा यहां से निकाल लें तो दैट इज वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी, और एक्स की वैल्यू जो मैंने आपके लिए लिखी थी एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, और ये वैल्यू बेटा उठा के अगर आप यहां पे फिल कर दें इसके नीचे तो इजिली आप देख सकते हैं डी से डी कट गया और वन प्लस डी बाई एफ ई में ये फॉर्मूला जो है ये आपका कन्वर्ज हो जाएगा। बेटा बात यहां तक सारी समझ में आ रही है अपने को, एवरी वन फुली क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड तनिष्क बेटा, लव लव फ्रॉम पंजाब, लव फ्रॉम पंजाब, फीलिंग इज म्यूचुअल, चलिए डन है। और अब एक लास्ट पॉइंट बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वैसे तो ये मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है, नो डाउट अबाउट दैट, स्ट्रेस डिवीजन के केस में हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलती है, कई बार ये फॉर्मूला और फर्दर मैक्सिमाइज किया जाता है। देखो डी और एफ तो चलेगा, देखो डी कॉन्स्टेंट है, आईपीएस की फोकल लेंथ भी कॉन्स्टेंट है, VO और UO जो है ये वेरिएबल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए UO जो है वो फोकस के पीछे रखना है तो UO कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपका VO निकल के आएगा। तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं ये हमारे वेरिएबल, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। अब ये मैक्सिमाइज कैसे होगा सोच के देखो, ये मैक्सिमाइज कैसे होगा, अगर मैं VO का मैक्सिमम वैल्यू ले लूं और UO का मिनिमम वैल्यू ले लूं, और 1 प्लस डी बाई एफ ई तो कांस्टेंट है तभी मैक्सिमाइज होगा ना यार, कोई चीज मैक्सिमाइज करनी है तो वेरिएबल्स को समझो, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में है। तो वीओ को मैक्सिमम करना है, यूओ को मिनिमम करना है, आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्ट्रेस डिवीजन में, वैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं स्ट्रेस डिवीजन का मतलब ही मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, लेकिन ये जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इसका अपर लिमिट देखते हैं कि ये कहां तक खींची जा सकती है, इसको कहां तक तुम लेके जा सकते हो। तो इस बात को आप देखो बेटा, VO का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, VO का मैक्सिमम वैल्यू सोच के देखो यार, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को ये देखो जरा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक लेके जा सकते हो, कॉमन सेंस लगानी है बेटा, ये याद रखना हमेशा जीवन में, और कुछ साथ दे ना दे, भगवान ने जो बुद्धि दी है ना आपको ये सबसे बड़ी चीज दी है, और वो तो ठीक है विनय सर कहानी आपकी, और अब आप ये बात बताओ, एक काम करो यार ये ना यही बना देता हूं, देखो यार अगली स्लाइड पे देख लो, तो देखो यार ये हमारा है ना, ये हमारी सिचुएशन है, देखो हमारा जो इमेज है वो इस साइड बन रहे, ऑब्जेक्ट जो है ये इधर बन रहे है ना, और अब आप जरा ध्यान से देखो, इसे मैं कह रहा हूं VO और इसे मैं कह रहा हूं UO, अब आप जरा ध्यान से देखो यार इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तुम्हें इसे मैक्सिमाइज करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है, कहां तक लेके जा सकते हो तुम, मैक्सिमम आईपीस तक ही लेके जा सकते हो ना, तुम्हें आईपीस के तो इधर ही रखना पड़ेगा ना, आईपीस को क्रॉस नहीं कर सकती वो इमेज, नहीं तो फिर वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो तुम्हें जो रखना है वीओ को मैक्सिमम कर लो लेकिन आईपीस को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वीओ का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो ट्यूब लेंथ के बराबर है, कैपिटल एल जो होता है उसे हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, सो दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल, और जो मिनिमम वैल्यू यू का होना चाहिए इस बात को आप याद रखिए, मिनिमम वैल्यू यू, अब देखो ये हमारा इसके फोकस के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना, एफओ से बेसिकली एफओ से पीछे रहना चाहिए, तो बेटा जरा सोच के देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको मिनिमाइज करना है, मतलब इसको पास लेके आओ पास लेके आओ, तुम इसके फोकस के अंदर नहीं आ सकते, अगर तुम इसके फोकल लेंथ के अंदर आ गए, यूओ का मिनिमम वैल्यू जो है अगर तुम उसके फोकल लेंथ के अंदर आ गए तो आपका वर्चुअल इमेज इसी साइड पे बन जाएगा, तो मिनिमाइज करो और तुम्हें यूओ का जो मिनिमम वैल्यू मिल सकता है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर मिल सकता है इनटू बच्चों 1 प्लस डी बाय एफ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा है हमारा स्ट्रेस डिवीजन की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। अब मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछो ये फॉर्मूला लिखना ही गलत है, ये एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछो ये फॉर्मूला लिखना ही गलत है, क्योंकि अगर यूओ जो है हमारा
सोच के देखो, अगर यूओ हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर है तो तुम्हें वीओ मिल ही नहीं सकता, वीओ जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा उल्टी साइड पे, ठीक है। तो आप समझ के देखो ये फॉर्मूला कभी प्रैक्टिकली अचीव हो ही नहीं पाएगा, ये वैल्यू अचीव हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ लिखने के लिए एक नंबर हमने यहाँ पे दे दिया आपको, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये हमारा करेक्ट है, दैट इज 100% करेक्ट फॉर्मूला। तो ऐसा कई बार ये मतलब आप ये क्वेश्चंस कई गलत चलते आ रहे हैं, मतलब बनते आ रहे हैं, तो उसके फॉर्मूले आपके लगते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी होती है और आपको ट्यूब लेंथ गिवन होती है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया और आपसे मैग्निफिकेशन पूछी गई है, तो ये फॉर्मूला आप लगा देना। और कई बार आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज करके वीओ निकाल लेना और ये फॉर्मूला लगाना, ये आपका एक्यूरेट फॉर्मूला है। लेकिन कई बार आपसे वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं या ट्यूब लेंथ की वैल्यू देकर आपसे निकलवाई जाती है, तो इस फॉर्मूले को लगा के आप अपने नंबर सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग ये वैसे अचीवेबल नहीं है, वैल्यू बात सही है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना यहां तक? अगर समझ में आ रहा है तो यार दिल बना के दिखा दो ना, काहे इतनी शांति से बैठे हो यार, इतना तो कर ही सकते हो अपने घर पे बैठ के, तुम्हें सारे कंटेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इतना तो कर सकते हो यार, ये तो कोई बहुत बड़ा काम है। ना डन है, परफेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ठीक है। अच्छा आप खड़े खड़े काम कर लेते हैं, अगर यही हमारा रिलैक्स विजन हो तो सब कुछ सेम रहेगा, एच डैश बाई एच ओ आएगा, डी बाई एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी डी बाई एफ को अप्रोच करेगी। तो सारा हमारा रिलैक्स विजन की अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, तो ये हमारी अगर रिलैक्स विजन की बात की जाए, ये सवाल यहां पर आ गया अभी, ठीक है। एक मिनट सवाल बेटा बाद में करते हैं, एक सेकंड सवाल हम बाद में करते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये हो गया हमारा बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये हो गया हमारा कौन सा विजन, ये हो गया हमारा स्पेस विजन, एल बाई एफ ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ पी। और अगर मैं रिलैक्स विजन की यहाँ पे बात करूं, रिलैक्स विजन की बात करूं, तो फाइनल इमेज मेरे भाई हमारी बनेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और फाइनल इमेज अगर हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है, और अब आप यहाँ पे अगर थोड़े से समझदार हैं तो आप देख सकते हैं कि यार इन्फिनिटी से जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा ये वाला एंगल, दिस एंगल इस बच्चों थीटा आई, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में तब बनेगा अगर ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है ये हमारी आई पीस की फोकल लेंथ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। तो अगर मैं इसे एच डैश ले लूं तो थीटा आई की वैल्यू आ जाएगी एच डैश बाय एफ ई, और थीटा ओ तो बेटा वही है हमारा एच ओ बाय डी, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए और आपके सामने जो मैग्नीफाइंग पावर बनेगी दैट इज एच डैश बाय एच ओ इंटू डी बाय एफ ई, और एच डैश बाय एच ओ को बेटा आप लिख सकते हैं वी ओ बाय यू ओ इंटू डी बाय एफ ई। एक बार से थोड़ा सा रब कर दूं, ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर है। और इसमें भी बच्चों आप एक बात याद रखिए, अगर मैं इसका मैक्सिमाइज वर्जन निकालूं, इसमें भी मैग्निफिकेशन का अगर मैं अपर लिमिट निकालने का प्रयास करूं, तो भाई ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हाँ जी आप देखिए यहां पे वीओ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तुम ऑब्जेक्ट को कितना दूर लेके जा सकते हो ट्यूब लेंथ के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल, और यूओ का मिनिमम वैल्यू कितना आप लेके आ सकते हैं, दैट इज बच्चों एफ ओ, आप इस ऑब्जेक्ट को इसकी फोकस के अंदर नहीं लेके आ सकते, ऑब्जेक्टिव की फोकस के पीछे रखना पड़ेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो एफ ओ के बराबर होगा इंटू डी बाई एफ। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये फॉर्मूला जो है बेटा ये हम लिखने के लिए लिख लेते हैं, लेकिन टेक्निकली ये लिखना गलत है, बिकॉज ये अगर हमारा एफ ओ है, अगर यू ओ हमारा एफ ओ है, तो इमेज हमारी जो बनती है वो इस साइड बनती है, वो इधर नहीं बन सकती है ना, तो बस हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, मतलब ये अचीवेबल नहीं होगा टेक्निकली स्पीकिंग, बट ये एक नंबर है जो आप दे सकते हो कि यार इससे ज्यादा वैल्यू आपको इस ट्यूब लेंथ में नहीं मिल सकती, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला जो रहता है आपका, ये आपका 100% करेक्ट और एक्यूरेट फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला आपने हमेशा याद रखना है। डन है, हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा फुली करेक्ट ऑल सेट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं पहले तुम्हें कंपाउंड के क्वेश्चन करवा देता हूं, बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़े से आई गेस स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई हैं, तो सिंपल के क्वेश्चन थोड़े बीच में आ गए थे,
तो कोई बात नहीं, पहले मैं आपको ये रिलैक्स डिवीजन होगी एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ए, ठीक है। तो पहले कंपाउंड के क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं फिर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हूज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ आर इतना एंड इतना। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है मेरे भाई 4 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव। अब आप देखिए जरा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा आईपीस है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है हमारी 4 सेंटीमीटर। कितनी है ये आप देख सकते हैं, आपको फिगर में डेटा भी गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। और मुझे बहुत देख के खुशी हो रही है, डेटा कितना अच्छा दिया है उसने, 4 से पीछे रखा है ना, ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, देना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि यही आपका सही रास्ता होगा। तो उसके ऑब्जेक्ट के पीछे रखा हमने एक हमारा ऑब्जेक्टिव, एक हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट का अब इमेज जो बनेगा वो इधर बनेगा। अब ये इमेज जो है ये अगर उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ रही है आईपीस के, तो डेफिनेटली हमारा एक इन्वर्टेड मैग्नीफाइड जो इमेज है वो हमारा इधर नीचे बन जाएगा। तो ये सारा रास्ता जो है आपको क्लियर कट दिखना चाहिए। अगर आप थोड़ा रे डायग्राम बनाना चाहें तो बना लीजिए, ये आपका रहेगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन, तो ऐसे करके ये हो गया। और अगर अब आप इनको थोड़ा सा रिट्रेस करें तो देखने में ऐसा लगता है जो रेज हैं वो आपकी वहां से निकलकर आ रही है, ठीक है, अगर आप यहां से उनको रिट्रेस करें। तो अब बात बड़ी क्लियर कट हो गई है बेटा आपके सामने, अज्यूमिंग दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, ये भी इसने दे दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये भी हमने दे दिया उसने कि यार ये जो फाइनल हमारी इमेज है ये कैपिटल डी पे बन रही है। तो विनय सर आपका तो काम बहुत ही खत्म कर दिया उन्होंने, कुछ बचे नहीं है, ठीक है, कैपिटल डी पे बन रही है, आपसे मैग्निफिकेशन पूछी गई है। तो भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इन केस ऑफ स्ट्रेस डिवीजन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी बाई यू बी ओ बाई यू ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। और इसमें भी आप एक बात याद रखिए, ये फॉर्मूला जब आप लगाएं तो आपको डी और एफ ई गिवन है, आपको डी भी गिवन है एफ ई भी गिवन है, डी हो गया 25 सेंटीमीटर, एफ ई हो गया 6 सेंटीमीटर, तुम्हें यूओ भी गिवन है, यूओ की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तुम्हें वीओ निकालना है, ठीक है। तो वीओ आप निकाल लीजिए बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लगाएंगे हमारा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो 1 बाय वी, अब वी जो रहेगा वो हम निकालना चाहते हैं, यू जो है बेटा वो है हमारा माइनस 5, अगर आप लेंस फॉर्मूले के हिसाब से बात करें ये हमारी इंसिडेंट रे है, आप उसके ऑपोजिट मेजर करोगे तो यू इज माइनस 5 इक्वल टू 1 बाय एफ, एफ जो है वो आपका प्लस 4 के बराबर है। तो यहां से बेटा आप इसको सॉल्व करो, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5, तो वीओ की वैल्यू जो निकल के आएगी सॉल्व करके वो आएगी प्लस 20 सेंटीमीटर, देख लो एक बार, ठीक कर रहा हूं मैं, है ना, ये उधर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 आपका बन जाएगा 1 बाय 20, तो वीओ जो बन जाएगा दैट इज प्लस 20 सेंटीमीटर। और यहां पे प्लस 20 डाल दो, यूओ की वैल्यू होगी आपकी माइनस 5, तो प्लस 20 बाय माइनस 5 फाइनल मैग्निफिकेशन अगर मैं आपके लिए लिख दूं, है ना, ये फाइनल मैग्निफिकेशन अगर मैं आपके लिए लिख दूं तो इट इज प्लस 20 बाय माइनस 5 इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, एफ ई की वैल्यू है 6, डी है हमारा 25, है ना, सॉरी डी बाई एफ ई आएगा, सॉरी डी बाई एफ ई आएगा, तो डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 6, ये आप सॉल्व करिए। और देखो फाइनल मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी चाहिए, ये भी लॉजिकल है, क्यों नेगेटिव आनी चाहिए, ये भी आप सोच के देखो नेगेटिव क्यों बनती है मेरे भाई, नेगेटिव इसलिए बनती है, ऐसे अगर आप ओरली करो देखो ये आ जाएगा 4, अगर 24 ले लूं तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, और इधर आ रहा है माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका ए ऑप्शन आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नेगेटिव फाइनल मैग्निफिकेशन इसलिए आनी चाहिए बिकॉज यार ये जो फाइनल इमेज है विनय सर ये हमारी इन्वर्टेड इमेज है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, लेकिन फाइनल इमेज रियल नहीं है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन नेट नेगेटिव होगी लेकिन इमेज हमारी जो है वो वर्चुअल है। यार ये सारी कहानी समझ में आ रही है जो बोलता जा रहा हूं, जाग रहे हो तो स्माइली तो बना दो, वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो जाग रहा हूं तुम देख पा रहे हो, तुम जाग रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा, दिखाओ जरा थोड़ा सा, है ना, दिखाना ये तो अब तुम्हारा काम है ना बेटा, विनय सर तो जाग रहे हैं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम जाग रहे हो अपनी साइड पे, मैं कैसे समझूं, हाँ जी सर जी सर जी सर, कहने पे हिलेंगे वैसे नहीं हिलेंगे
ठीक है, तो आप सवाल करिए, आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन निकल आए। ठीक है, अब टेलीस्कोप पे जाने से पहले, टेलीस्कोप आएगा इसके बाद, मैं आपको कुछ माइक्रोस्कोप के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाता हूँ, रुकिए। ठीक है, हाँ ये स्लाइड थोड़ी बीच में आ गई। हाँ तो आइए सिंपल माइक्रोस्कोप के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं, एक वायर मैश है कंसिस्ट ऑफ स्क्वेयर्स ईच ऑफ साइड 1 mm। तो हमने वायर मैश लिया जिसमें हर स्क्वेयर की जो साइड है वो 1 mm के बराबर है, एंड इट इज प्लेस, मतलब समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा है, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस हो गया, और जो वायर की मैश है, जो वायर की मैश है ये कुछ आप ऐसी मैश आप समझ सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्क्वेयर्स हैं उसके अंदर, मतलब प्रॉपर समझ रहे हो। तो एक आपने स्क्वेयर की जो मैश है वो आपने कन्वेक्स लेंस के थ्रू आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस साइड से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो मैश की जो साइड है, एक साइड हमें गिवन है 1 mm, है ना, ये जो साइड है इस एक साइड की अगर मैं बात करूं, ये हमारी 1 mm के बराबर है, ये हमें यहां पे क्वेश्चन में गिवन। और आपसे यहां पे क्या पूछा गया है, एक इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 cm फ्रॉम मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। जब मैग्नीफाइंग ग्लास आपके सामने लिख दिया तो मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के बराबर है, और इसका जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है यहां से कितना, दैट इज 9 cm, और इसकी फोकल लेंथ गिवन है हमें 10 cm। तुम्हें पता है अच्छी बात क्या है, यहां पे तुम्हें एक तरह से एक्स की वैल्यू गिवन है कि उसका डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ लेंथ की गिवन है बच्चों हमारी 10 cm। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर कट दिखनी चाहिए, ये उसके फोकस के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसकी एक पीछे मैग्नीफाइड, है ना, वर्चुअल इमेज आपकी पीछे एक इसके बन जाएगी, है ना। ये तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पूरी मैश की, है ना, एक वर्चुअल इमेज बनेगी, ये मैश जो है ना इसके पीछे जो है यहां पे कहीं एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज आपकी बन जाएगी। ठीक है, विनय सर बिल्कुल सही। और अब हमसे पूछा गया है ये सारी बात, व्हाट इज द, अब देखो जरा गलती कहां पे होगी, गलती कहां पे होगी, व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, व्हाट इज द आंसर, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो भी एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर सोचे यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम किस चीज को रिपोर्ट करने वाले हैं। हम किस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, यहां पे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। गलत, सब बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, मेरे भाई ये नॉर्मल मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेंस तो बेटा ये देगा ना हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस की बात हो रही है, लेंस के केस में लेंस का फंडा लगाओ ना, ये तो मैंने लिख दिया मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस पूछ रहा है, ये मैग्नीफाइंग पावर नहीं बोल रहा। तो जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगल वाला मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्नीफाइंग पावर होता है, आपसे मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछी गई, आपसे सिंपली मैग्निफिकेशन पूछी गई है, तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन आपको निकालनी है, दैट इज HI/H। तो देखो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे पेपर में गलती होती है, और समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें लगाना है 1/V - 1/U = 1/F। विनय सर V मुझे पता नहीं, U जो है दैट इज -9, F जो है वो पॉजिटिव है दैट इज 10, तो 1/V कम्स आउट टू बी 1/10 - 1/9, एलसीएम ले लो 90, 9 - 10 -1/90, तो अगर आप सॉल्व करें तो V की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों -90 cm। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल मैग्नीफिकेशन पूछ लूं, व्हाट इज द नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, तो दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज V/U, V इज -90, U इज -9, तो ये निकल के आ रही है +10, मतलब ये जो साइड है ये एक साइड जो है ये 10 times मैग्नीफाइड दिखेगी, ये 10 times मैग्नीफाइड दिखेगी, ये नॉर्मल मैग्नीफिकेशन है, जो लेंथ वाली हाइट वाली आपकी मैग्नीफिकेशन होती है, बात बन गई, ठीक है। तो
तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा विनय सर प्लस 10। करेक्ट है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, विनय सर आंसर रहेगा प्लस 10। अब सेम क्वेश्चन सुनते जाओ, इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, तो यार देखो यार ये हमारा स्क्वायर मैच था। सुनते जाओ, तुम्हारे अगर 1% कुछ डाउट रह भी गया अभी क्लियर हो जाएगा वो। ये जो हमारा एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो साइड है वो 1 मिलीमीटर है। लेकिन अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो बाप देखो जरा, ये जो एक साइड है ये 10 times मैग्नीफाइड है, तो मतलब ये हो जाएगी 10 mm, और इधर से भी जो है मतलब हर साइड जो है, मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारा लेंस ऐसे बड़ा है, सोच के देखो। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा हाइट, ये भी आपकी मैग्नीफाइड हो जाएगी। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल 3D में अगर आप फील करो हॉरिजॉन्टल रखोगे, ये भी मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये याद रखना, जब आप एक्सिस के लॉन्ग रखते हो ना तो फिर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर हो जाता है। मतलब अगर ये मैग्नीफिकेशन वर्टिकल वाली 2 times है, ये वाली भी 2 times है, ये 2 times है, तो ये वाली भी 2 times होगी। लेकिन अगर आप उसके परपेंडिकुलर रख दोगे ना लेंस के, समझ पा रहे हो मेरी बात को, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, तो वो होती है लेटरल मैग्निफिकेशन, वो स्क्वायर होती है, वो वी बाई यू का स्क्वायर होती है। रे ऑप्टिक्स में आप उसे कर सकते हैं। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, अगर उस केस में आपका वो 4 times हो जाएगा। लेकिन ये हम मान रहे हैं ये हमने ऐसे रखा है, तो मतलब एक लेंथ ऐसे है, दूसरी लेंथ जो है वो आपकी बेसिकली, ये दोनों लेंथ जो है ये लेंस के पैरेलल है, ये भी लेंस के पैरेलल है और ये भी लेंस के पैरेलल है। तो अगर आप इसे देखें, ये भी 10 mm का स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप पूरा इसका एरिया निकालें, पूरा इसका एरिया निकालें, तो मेरे भाई ये जो एरिया है ये 100 mm स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, इस केस में जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी ऑप्शन। और अगला जो क्वेश्चन है, अब आप देखो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। आपसे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस यहां पे पूछी गई है, और अब आपका आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में लिखिए। आप अगर अपना आंसर मैग्नीफाइंग पावर, ये मैग्नीफिकेशन नहीं है, ये अलग चीज है। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है ये होती है एंगल्स वाली मैग्नीफिकेशन, ये थीटा आई बाय थीटा हो गया बराबर है। तो अगर आप यहां पे फॉर्मूला याद रखेंगे तो पेपर में बहुत टाइम बचेगा। डायरेक्ट आंसर होता है इसका डी बाय एक्स, ठीक है ना। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो एक्स की वैल्यू होती है एफ इंटू डी अपॉन एफ प्लस डी। स्ट्रेस विजन में ये 1 plus D/F बन जाएगा फॉर्मूला, रिलैक्स विजन में ये D/F बन जाएगा। लेकिन अगर कोई जनरल केस है, यहाँ पे अब हमें x गिवन नहीं था तो इट इज अ जनरल केस, तो जनरल केस में मैग्नीफाइंग पावर अगर आपको निकालने को दे दी जाए, है ना, तो ये याद रखिए हमारा आंसर d बाय x होगा। d की वैल्यू 25 है और x की जो वैल्यू है दैट इज बच्चों योर हाउ मच 9 centimeter। ठीक है, तो 25/9 आप करिए बेटा, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.8 something के आसपास, है ना, 2.79 बनेगा, तो 2.8 आप उसे लिख सकते हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इस केस में दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एक अलग चीज है, मैग्नीफाइंग पावर जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होती है वो एक अलग चीज है। आप देखो सेम प्रॉब्लम में दोनों की वैल्यूज अलग है, लीनियर मैग्नीफिकेशन 10 times है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन मतलब एंगल कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ हमारा, डेफिनेटली दो बातें अलग है ना, एक एंगल हो गया और एक हमारी लेंथ होगी, तो लेंथ की रेशियो और एंगल की रेशियो सेम एक्सपेक्ट करना यहाँ पे गलत होता है ना। तो ये वैल्यूज अलग अलग ही आती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवाया गया ताकि आपके सामने पूरी क्लैरिटी हो जाए। और यहां पे एक बात मैं और बता दूं, एक स्पेशल केस होता है जब हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर के बराबर होता है, आप लोग उसे ट्राई करिएगा, मैं आपको बोल देता हूं आपका होमवर्क है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के आंसर दीजिएगा, आपका सेम येस और नो में लिख दीजिएगा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें कि फाइनल इमेज हमारी कैपिटल डी पे बने, स्ट्रेस डिविजन के केस में हमेशा ये बात याद रखना, है ना, ये हमारा आंसर यहां पे 2.8 है। अगर मैं स्ट्रेस डिविजन की बात करूं, स्ट्रेस डिविजन के केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन सेम होते हैं, ठीक है। और आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में नीचे कमेंट्स में इस वीडियो के बताना, हाँ जी सर सेम आ गया एंगुलर, ये ट्राई करना डेटा। आप इसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखो कि इमेज हमारी कैपिटल डी पे बने, टेस्ट विजन में हमारी जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बनती है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूज करो कि हमारी जो इमेज है वो हमारा 25, आप निकाल सकते हो 1/v - 1/u = 1/f, और v की वैल्यू आप ले लो, कितनी ले लोगे, v इज -25, f की वैल्यू 10 गिवन है, u निकाल लो, ठीक है, वो हो गया आपका x। तो वो वाला x आप लेके चलो।
आप मैग्निफिकेशन लीनियर निकालो v by u, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालो d by x, आपका वैल्यू जो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। तो स्ट्रेस डिवीजन के केस में ये दोनों ही चीजें इक्वल होती हैं, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, आगे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपको करा दिया है, रिलैक्स डिवीजन, स्ट्रेस डिवीजन, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, और अब हमारा समय आ चुका है आज के सेशन में टेलीस्कोप के ऊपर जाने का। ठीक है, तो आई होप यहां तक सब बच्चों को सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। एवरीवन, इज इट फुली क्लियर ना? ठीक है, डन है? चलिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप तुम्हें पता है यार, तुम्हें बहुत दूर की चीजें देखनी है। ठीक है, तो टेलीस्कोप में जब आप बहुत दूर की चीजें देखोगे तो स्ट्रेस डिवीजन के केस में सारी कहानी वही है, बहुत दूर से रेज आ रही है, आप आराम से देखिए, बहुत इंफिनिटी से रेज आ रही है आपकी। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, इंफिनिटी से अगर रेज आ रही है तो वो पैरेलल होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, वो फोकस वाले पॉइंट पे ही मीट करती हैं। मतलब ये मान के चलो ये जो पॉइंट है ये फोकस ही है, इट इज एफ ओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बेटा, बहुत बड़ा अपर्चर होता है। कई बार तो आपने देखा होगा टेलीस्कोप की जो बिल्डिंग होती है ना, एक बिल्डिंग इतना होता है वो, इतना उसका जो डोम होता है ना, वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ही होता है। तो बहुत बड़ा अपर्चर होता है, बिकॉज बहुत दूर से रेज आ रही है और आप चाहते हो कि यार रेज आप रिसीव करो, सिग्निफिकेंट रेज रिसीव करो, तभी तो आप देख पाओगे वहां पे क्या है दूसरी साइड पे। तो ऑब्जेक्टिव की अपर्चर बहुत बड़ी होती है कंपैरेटिवली आईपीस के। यहां पे फिगर में थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है, बट होता नहीं है, ये जो है ये ज्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, और ये बात याद रखना, जब भी रेज हमारी पैरेलल आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस में मीट होंगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फोकस के किसी नीचे वाले पॉइंट, या अगर नीचे से भेज दोगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे मीट होगी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेज जो होती है ना, ये हमेशा फोकल प्लेन पे मीट करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको यहां पे समझाता हूं, आप इस फिगर से देखिए। देखो यार, एक ना प्लेन होता है जिसे कहा जाता है फोकल प्लेन, इसे कहा जाता है फोकल प्लेन। तो अगर तो हमारी रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम बहुत सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि यार ये हमारा फोकस है, जहां पे ये जो रेज है ये आपकी मीट कर रही है। ये देसी तरीका हो गया, बहुत सिंपल बेसिक भी हो गया, लेकिन एक्चुअली फोकस पे मीट करना इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। टेक्निकली इट इज फोकल प्लेन, मतलब अगर मैं रेज पैरेलल लूं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, रेज आ रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये रेज भी हमारी मीट करेंगी इसी प्लेन में, और जो वो फोकस वाला जो पॉइंट है, समझ रहे हो, वो अब हमारा इसी प्लेन में नीचे वाला आ जाएगा। तो जो करेक्ट वर्ड होगा हमारा वो फोकल प्लेन होगा। देखो ये मैं लिख देता हूं, पैरेलल रेज ऑलवेज मीट इन फोकल प्लेन, ये हमेशा फोकल प्लेन में ही मीट करते हैं, ये बात हमेशा बच्चों याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर बेटा यहां पे थोड़े से हम और मजे ले लें, थोड़े से यहां पे और सवाल ले लें, यार जो भी हो जाए, ये तो फोकल लेंथ ही रहेगी, ये तो फोकल लेंथ ही रहेगी, ये तो लॉजिकल है ना, बस वो पॉइंट जो है वो नीचे आ गया। तो सेम चीज बेटा मैंने आपको यहां पिछली फिगर में दिखाई है, रेज बहुत दूर से आ रही है, रेज आर कमिंग फ्रॉम सम स्टार्स, सो रेज आर पैरेलल, बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट वॉट एवर हैपन्स, ये जो रेज जहां पे मीट करेंगी, ये जो हमारा पॉइंट होगा ये ऑब्जेक्टिव के फोकस वाला पॉइंट होगा, है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो फोकस, बेसिकली ये जो लेंथ है, सारी कहानी की बात ये है, ये एफओ के बराबर है, बिल्कुल विनय सर, सुनते जाए। अब आपने आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया जिससे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया, आप फील कर पा रहे हैं ना, ये हो ये 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 हमारा एफ ई है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ गया, तो आगे बन गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। और अगर हमने ऐसा अरेंजमेंट किया, क्योंकि ये स्ट्रेस डिवीजन की यहां पे बात हो रही है, कि जो फाइनल हमारी इमेज बनी, ये वाली जो फाइनल हमारी इमेज बनी, ये फाइनल इमेज अगर हमने कैपिटल डी पे बना दी, ये फाइनल इमेज अगर हमने कैपिटल डी पे बना दी, तो हमारा ये बन गया स्ट्रेस डिवीजन। और इस केस में हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, और मैग्निफिकेशन अगर हम, मैग्निफिकेशन मतलब ये थीटा आई बाय थीटा रेशियो ऑफ द एंगल डिपेंडेंट,
द इमेज टू द एंगल सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे अब कोई कंडीशन नहीं है, ये दोनों हमारे डायरेक्ट एंगल्स होंगे जो ऑब्जेक्ट और इमेज हमारे आई पे बता रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप के केस में थीटा ओ पे कंडीशन थी कि थीटा ओ हमारा कैपिटल डी पे होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा कैपिटल डी पे है तब वो एंगल बनाएगा। अब सन को तो बेटा हम कैपिटल डी पे जाके देख नहीं सकते, देखोगे तो वैसे ही बेटा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तुम्हारा, पहले ही हो जाएगा, वहां तक जा ही नहीं पाओगे। तो यहां पे हम डायरेक्ट एंगल जो दूर से ऑब्जेक्ट बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा ओ, दूर से जो ऑब्जेक्ट हमारा एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा ओ, और जो फाइनल इमेज हमारा एंगल बना रही है, जो फाइनल इमेज हमारा एंगल बना रही है दैट एंगल इज थीटा आई, इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है दैट इज। तो यार अब एक्चुअली हमने क्या किया बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन पूरा आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये हमारा एच है, ये अगर हमारा एच आई है ना, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ओ की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, ये एंगल भी हमारा क्या हो गया, अगर ये एंगल थीटा ओ है तो ये एंगल भी हमारा थीटा ओ हो गया। तो अगर थीटा ओ की वैल्यू अगर आप निकालें तो इट इज एच ओ बाई डी, दिख रहा है हमें, एच बाई डी कर लो, ये एच है, सॉरी एच बाई एफ नॉट डी, एच बाई एफ, एच बाई एफ ओ है ना, ये एच है और ये एफ ओ है, तो थीटा ओ की वैल्यू इज एच बाई एफ ओ, ये एच बाई एफ ओ के बराबर है। और अगर मैं यहां से ये वाली जो लेंथ है इसे अगर मैं एक्स कर लूं, ये लेंथ अगर मेरी एक्स है, बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से देखें, तो थीटा आई जो है, बेसिकली ये जो एंगल है हमारा थीटा आई है ना, इसकी वैल्यू अगर आप निकाल लें तो इट इज इक्वल टू, ये एंगल हमारा थीटा आई मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर, एच बाई एक्स, तो थीटा आई जो है ये एच बाई एक्स के बराबर है। और अगर मैं अब इनकी रेशो ले लूं, अगर मैं अब इनकी मैग्निफिकेशन ले लूं, मैग्निफाइंग पावर ले लूं, तो थीटा आई बाई थीटा ओ एच बाई एक्स एच बाई एफ ओ, तो दिस कम्स आउट टू बी एफ ओ बाई एक्स। तो वैसे बच्चों ये बात याद रखिए, माइक्रोस्कोप के केस में आपकी मैग्नीफाइंग पावर होती है डी बाई एक्स, टेलीस्कोप के केस में आपकी जो पावर होती है वो होती है एफ ओ बाई एक्स, बट डी की जगह एफ ओ आ जाएगा बाकी सबसे। अब एक बार ओरली सॉल्व कर लो, रिलैक्स्ड विजन में क्या होगा, रिलैक्स्ड विजन में क्या होगा, ये जो एक्स है ये किसके बराबर होगा, सोच के देखो, रिलैक्स्ड विजन में आपका इंफिनिटी पे बनेगा, यस विनय सर, मतलब ये जो लेंथ होगी ये हमारे एक्चुअली में आई पीस की फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो उस केस में आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है एफ ओ बाई एफ ई। बोलो जय माता दी, बात समझ में आ रही है अपने को, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताएं, है ना, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम रिलैक्स्ड विजन, एक काम करो रिलैक्स्ड विजन यही खत्म कर लेते हैं, रिलैक्स्ड विजन में फाइनल इमेज जो बनती है, पहले रिलैक्स खत्म कर लो, फाइनल इमेज जो बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब यार ये लॉजिकल पॉइंट है हमारा, यार ये जो होना चाहिए ये हमारा जो एक्स है ये आई पीस की फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, और हमारी जो मैग्निफिकेशन है, अच्छा देखो यार एक और बात तुम्हें यह पता होनी चाहिए, ये हमारा जो था ये एफ ओ के बराबर था, तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एफ ओ बाई एक्स है, एक्स यहां पे जो है वो एफ ई के बराबर है, पहली चीज तो ये होगी। और एक बात और हमेशा याद रखना, ट्यूब लेंथ जो होती है हमारी रिलैक्स डिवीजन में, जिसको हम कई बार नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कह देते हैं, और बाय डिफॉल्ट बेटा मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट ही लेकर चलना है। ट्यूब लेंथ बोले तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस की आपस की लेंथ, तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं ट्यूब लेंथ की वैल्यू बहुत फेमस है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ के ऊपर बड़े क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है, इसकी वैल्यू जो होती है इन दोनों का सम होती है एफ ओ प्लस एफ ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन केस ऑफ योर टेलीस्कोप, ठीक है। तो रिलैक्स विजन यहीं पे खत्म हो गया, स्ट्रेस विजन में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे बेटा, हमारे लिए कौन सा कोई मुश्किल काम है, ये उस बच्चे के लिए मुश्किल है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तुम सब पढ़े लिखे बच्चे, समझदार बच्चे, एजुकेटेड लोग हो, है ना, आई होप मैं ठीक सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अपन फटाफट लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे हम आईपीस के लिए, तो
तो अब आप देखो बेटा वन बाई वी, अब देखो जरा आईपीएस के लिए अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो एक्चुअली एक्स की वैल्यू वही आएगी यार, एफ इंटू डी अपॉन एफ प्लस डी, वही दोबारा कर रहा हूँ। तो भैया फाइनल हमारी जो इमेज बनी है वो डी डिस्टेंस पे बनी है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट ही हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑपोजिट ही हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑपोजिट ही हमारी इमेज है। तो वन बाई वी इज बच्चों माइनस डी, इट इज बच्चों माइनस एक्स, है ना, ये हमारा माइनस एक्स है इक्वल टू वन बाई एफ ई। तो अगर आप यहां से वन बाई एक्स की वैल्यू निकालें, इट इज वन बाई डी प्लस वन बाई एफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ ई इंटू डी, ये आईपीएस के लिए लग रहा है, अपॉन एफ ई प्लस डी। ठीक है, तो ये हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अब आप यहां पे देख सकते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, एफ ओ बाई एक्स है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ बाई एक्स है, और एक्स की वैल्यू अब आपने निकाल ली है एफ ई इंटू डी इंटू एफ ई प्लस डी। ठीक है, तो आमतौर पर डी बाई एक्स होता था, डी से डी कट जाता था, और वन प्लस डी बाई एफ आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में बन जाता था। यहां पर बस थोड़ा सा आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ी कि कुछ कटेगा नहीं, इस डी को अंदर ले जाओ, तो फॉर्मूला बनेगा एफ ओ बाई एफ ई, और डी को अगर आप अंदर ले गए तो वन प्लस एफ ई बाई डी। ठीक है, तो यार ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, जस्ट टू योर ऑब्जर्वेशन ये फैक्टर याद रखिए, है ना, एफ ओ बाई एफ ई माइक्रोस्कोप के केस में वन प्लस एफ ई वन प्लस डी बाई एफ था, माइक्रोस्कोप के केस में वन प्लस डी बाई एफ था, यहां पे एफ बाई डी है, तो ये याद रखिए, थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको दिखा देता हूं, माइक्रोस्कोप के केस में है ना वन प्लस डी बाई एफ है, कहां गया, हाँ माइक्रोस्कोप के केस में वन प्लस डी बाई एफ है, टेलीस्कोप में एफ ई बाई डी है, तो उल्टा है, बस थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करके रखोगे तो पेपर में भूलोगे नहीं, है ना, तो यहां पे जो है वो वन प्लस एफ ई बाई डी के बराबर है, परफेक्ट है। ठीक है, तो बस बच्चों मेरे ख्याल से लाइफ पूरी सेट है, जस्ट इफ यू वॉन्ट वी कैन हैव सम क्वेश्चंस ऑन टेलीस्कोप ऑल्सो। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया, क्वेश्चन आपके सामने एक बार क्विकली रीड करिए, फटाफट रीड करो, बताओ कैसे सॉल्व होगा, आप लोग ओरली आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का मुझे। हाँ जी बच्चों बताइए, रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप व्हेन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, पहली चीज तो होगी हमारी क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट, पहला स्टेप तो यही होगा, इंफिनिटी पे बन रहा है, हैज अ मैग्नीफाइंग पावर 6, तो मैग्निफिकेशन जो होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में याद रखो एफ ई बाई एफ ई ये 6 के बराबर है। हाँ जी विनय सर, सेकेंड केस आपको क्या कह रहे हैं यहां पर, और अगर आप आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 14 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ट्यूब लेंथ की वैल्यू गिवन है which is FO plus FE, उसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर, तो मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया। ऑब्जेक्टिव और आईपीएस कितने डिस्टेंस अपार्ट है उसे ट्यूब लेंथ कहते हैं, और नॉर्मल मैग्निफिकेशन में नॉर्मल एडजस्टमेंट में उसकी वैल्यू जो होती है वो FO plus FE के बराबर होती है। FO और FE दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस, आपसे क्वेश्चन में यही पूछी गई, बल्ले बल्ले लिख दो चैट बॉक्स में, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, इसको आप उधर ले जाओ, FO की वैल्यू यहां डाल दो, तो 6FE plus FE जो है ये 14 है, 7FE 14 के बराबर है, FE की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो अगर FE 2 आ गया, 2 डाल दो, 14 माइनस 2, FO जो आ जाएगा वो आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आंसर हमारा जो इस क्वेश्चन को रहेगा दैट इज 12 एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर एंड द 2 सेंटीमीटर, ये हमारा सही आंसर, परफेक्ट है, बल्ले बल्ले, डन है, जय माता दी। ठीक है, परफेक्ट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें कह रहे हैं टेलीस्कोप है, साथ साथ सॉल्व करिए, है ना, मेरे साथ साथ आप अगर देखो यार, ये सारे क्वेश्चन करवाने का पर्पस ये है कि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और अगर आप इस एक सेशन को देख लोगे आपके ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आप अपने नंबर सिक्योर कर लो, और मैं ये पहले ही इस वीडियो की शुरुआत में बोल चुका हूं, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तभी आप इस वीडियो में, हम एक सिंसियर टीचर हैं तभी हम ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमें पता है ये बहुत कम बच्चे देखने आते हैं, लेकिन हमें पता है यार ये इंपॉर्टेंट है, ये एक फ्री फंड का नंबर है जो बच्चों का रह जाता है, हम सिंसियर हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब तुम भी सिंसियर हो, तो ये दोनों चीजें बड़ी पॉजिटिव है।
आगे बढ़ते हैं यार, देखो यार क्वेश्चन कितना प्यारा है। इट टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखो यार, हमें एफओ की वैल्यू दे दी 120 सेंटीमीटर, ठीक है विनय सर। एफपी की वैल्यू दे दी मेरे भाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है विनय सर, ये भी बात सही है। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट केस में आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, एफओ बाय एफई। तो कुछ सोचना ही नहीं है, 120 बाय 5 अगर आप करोगे, मुझे लगता है देखते ही आंसर आपका आ जाएगा 24 इज द मैग्नीफाइंग पावर। और अगर हमारा है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, जिसको हम स्ट्रेस डिवीजन बोलते हैं, उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिए, इट इज बच्चों एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना, डी बाई एफ नहीं है, बस ये याद रखो 1 प्लस डी बाई एफ होता है आपका माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे एफ बाई डी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाकी सब वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन ही है, आई डोंट थिंक कि कुछ यहाँ पे नया कुछ है। तो ये एफ ओ बाई एफ ई तो आपका 24 आ जाएगा, 1 प्लस एफ ई बाई डी, एफ ई हो गया आपका 5, और जो डी है बेटा वो है आपका 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे ख्याल रखें, ये 1 बाई 5 आ जाएगा, है ना, इनको बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो ये आपके सामने आ रहा है 24 इंटू बच्चों 6 बाय 5, है ना, ऐसे ही है ना, 6 बाय 5 मतलब इसे आप लिख सकते हैं 24 इंटू 1.2, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 24 से थोड़ा सा ज्यादा आपका 40, अगर मैं 12 ले लूं और 240 और 48 तो 288 आ जाएगा, ये के आसपास आपकी मैग्निफिकेशन निकल आएगी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आई गेस डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो भाई मजा आया तुम लोगों को, मजा आया तुम लोगों को, हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के अपने दो दो केसेस, स्ट्रेस्ड और रिलैक्स्ड विजन, और जनरल अगर हम इसके अलावा कहीं और खड़े हैं तो हम मैग्निफिकेशन को कैसे निकालेंगे। तो यार ये सारी सिचुएशन बेटा हमने जो की है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की है, 99% केसेस में आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की, रिजॉल्विंग पावर का। तो रिजॉल्विंग पावर को जरा ध्यान से सुनना और समझना, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर आप रखोगे तो अगर सवाल आ गया डरोगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ठोक के अपना आंसर निकाल लोगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, देखो रिजॉल्व का मतलब क्या है, रिजॉल्व का मतलब है अलग करना, अलग करके, अलग करने की ताकत, है ना। देखो पावर का मतलब क्या है, डोले, पावर का मतलब क्या है, डोले, डोले किसके, ताकत के। रिजॉल्व का मतलब होता है अलग करके हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, उसकी एबिलिटी, उसकी ताकत का नाम जो है वो हमारा रिजॉल्विंग पावर है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, आप इसे ऐसे समझ के देखिए कि आपकी आईसेट जो है वो खराब हो गई तो आपको धुंधला दिख रहा है, ठीक है ना। आप इसे ऐसे समझ के देख सकते हैं कि यार ये जो हाथ है ये मैं अगर बिल्कुल अपने फेस के पास ले आऊं तो मुझे धुंधला दिख रहा है, मेरे को ये दो इमेजेस मतलब मिक्स हुई पड़ी है एक दूसरे में, है ना, ओवरलैप्ड है, ये अनरिजॉल्व्ड है, ये अनरिजॉल्व्ड है मतलब ओवरलैप्ड है, मुझे अलग अलग नजर नहीं आ रही। ये बिल्कुल वैसे वाली सिचुएशन जैसे मैंने आपको बोला, आपके घर में कई बड़े बुजुर्ग होंगे, जैसे मैं अपने नाना जी को जब मिलने जाता था तो अगर हम दो भाई उन्हें मिलने गए हैं तो हम दो उन्हें एक ही दिखते थे, अच्छा तू भी वही है, तू भी वही है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा मतलब समझ लो, फील करके देखो जरा, अगर अब आप थोड़ा सा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, अब आपको अपनी दो फिंगर्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। तो ये अभी हमारा जस्ट रिजॉल्व है, ये हमारा फुली रिजॉल्व है, मतलब बिल्कुल अलग अलग दिख रही है। ये जस्ट जब यहाँ पे मतलब समझ लो, जस्ट ये जब जस्ट इमेजेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग हुई, बिल्कुल बाउंड्री वाली जो स्टेट है जस्ट अलग हुई, उसे हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। अलग अलग दूर में जो बहुत कोई टेंशन ही नहीं है, आपको कंप्लीटली रिजॉल्विंग दिख रही है। तो ऐसे फील करके देखो यार, बचपन में जैसे ऐसे ही मतलब तुम भी अपने कभी दादा वादा से मिलने गए, जब है ना नाना नानी जी से मिलने गए, तो बूढ़े लोगों को कई बार भैया वो लगता है कि यार ये चार लोग खड़े हैं सब सेम ही है, सब उनके एक ही बच्चे हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब जब तुम उन्हें समझाते हो तब उन्हें समझ में आता है कि यार अच्छा, फिर वो देख पाते हैं अच्छा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो बेसिकली यही रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है। तो आप दो इमेजेस को देख रहे हो, एक दूसरे पे बिल्कुल मर्ज्ड है, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे सोच के देखो, मेरा एक लेंस है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखते हो O1, उसका आगे इधर इमेज बनता है I1, ध्यान से सुनना। आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दो बच्चों O2, उसका इधर इमेज बनता है बच्चों I2।
इन ऑब्जेक्ट्स को अगर तुम पास लेकर आओ, पास लाओ, तो ये इमेजेस भी पास आएंगी। बात बनती है मेरी? आप इन ऑब्जेक्ट्स को पास लेते जाओ, पास ले जो पाले, डेफिनेटली यार उनका अगर इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके ऊपर ही रख दो तो ये जो इमेज है बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, और अगर ओवरलैप हो जाएंगे तो आप उन दोनों इमेजेस को रिजोल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली तुम्हें उन्हें थोड़ा सा अलग अलग करके रखना पड़ेगा। तो इनके बीच का एक डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को बेटा मैं बोलता हूं डेल्टा डी, जिसका नाम है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसका नाम है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वो कम से कम डिस्टेंस जिससे हमें इमेजेस जस्ट ये वाली स्टेट की दिखाई दें, जस्ट रिजोल्व करते हुए दिखाई दें, उस मिनिमम डिस्टेंस को बेटा हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और जो रिजोल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ दिस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बराबर होती है। अब सोच के देखो, ये भी लॉजिकल है, जितना ये डिस्टेंस कम है, जितना ये डिस्टेंस कम है और तुम क्लियरली रिजोल्व कर पा रहे हो, तुम क्लियरली रिजोल्व कर पा रहे हो, उतना तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कितने पास 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 पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को भी तुम अलग अलग देख पा रहे हो, पास रखी हुई चीजों को भी तुम अलग अलग देख पा रहे हो, तो तुम में ताकत ज्यादा है। मानते हो बात को कि नहीं? तुम्हारी रिजॉल्व करने की शक्ति ज्यादा है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? चैट बॉक्स में बताओ। पास रखी हुई चीज, जितना ये डिस्टेंस तुम क्लोज करो और तुम अलग अलग करके देख पा रहे हो, तुम रिजॉल्व कर पा रहे हो उनको, इसका मतलब तुम्हारी एबिलिटी ज्यादा है, यू हैव मोर रिजॉल्विंग पावर। तो जितना लिमिट ऑफ, अब दो क्वेश्चन ही आते हैं, या तुमसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछी जाती है या तुमसे रिजॉल्विंग पावर पूछी जाती है। तो जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर तुम्हारी ज्यादा, ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है, डाले जय माता दी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यार अब बड़ी सीधी सी बात है, हमारे माइक्रोस्कोप के केस में आपने रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन बच्चों 1.22 लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा तो मुझे लगता है सबको पता ही है, इट इज दी वेवलेंथ, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, और जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू होती है, डेल्टा डी की जो वैल्यू होती है ना, जो कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O1, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है O2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कम से कम जो डिस्टेंस जिससे आप इनकी एक अच्छी इमेज को देख पाए, उसको हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलेंगे। इसकी वैल्यू जो होती है मेरे भाई, वो होती है 1.22 लैम्डा अपॉन बच्चों 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो यार इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसका तुम रेसिप्रोकल कर दोगे, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं एक बार सारी समझ लेते हैं। इसमें लैम्डा तो तुम्हें पता ही है भैया, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट जा रही है वहां पे, है ना, जो भी लाइट निकल रही है ऑब्जेक्ट से उनकी वेवलेंथ लैम्डा हो गया। म्यू क्या है? म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो इसके बीच में ये जो भी मीडियम है, ये जो मीडियम है ऑब्जेक्टिव लेंस का और आईपीस का, उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, आमतौर पर ये एयर ही होती है, लेकिन अगर आप वॉटर के अंदर कहीं माइक्रोस्कोप को लेके कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको वहां पे लेना है, ठीक है। तो म्यू भी हो गया। अब थीटा क्या है? थीटा को जरा ध्यान से सुनना। देखो थीटा है, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट ले लें, तो एक ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे अगर आप 3D में देखें तो हमारा एक कोन टाइप स्ट्रक्चर, रेज जो है वो एक कोन के अंदर से निकल के जाएंगी, तो ये जो सेमी कोनिकल एंगल है, सेमी कोनिकल एंगल जो है उसे हम बेटा थीटा बोलते हैं। तो थीटा इज द हाफ एंगल ऑफ द कोन ऑफ द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस पे आप यहां पे फील करें, है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, एक ऑब्जेक्ट एक कोन बनाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मतलब इसके आसपास ही पड़े तो वो भी आपका एक कोन बनाएगा, तो उस कोन का जो सेमी एंगल होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेमी एंगल ऑफ कोन, मैंने यहां लिख भी दिए, हाफ एंगल ऑफ द कोन, है ना, दैट इज योर एंगल थीटा। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लोगे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ये याद करना है, सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है ये याद करना है। और जेई मेंस में लास्ट ईयर रिजॉल्विंग पावर के ऊपर ये क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड,
आपका म्यू सेम है, थीटा सेम है, वेवलेंथ की रेशियो के हिसाब से आपसे रिजॉल्विंग पावर की रेशियो पूछी गई थी, ठीक है। तो ऐसे लॉलीपॉप प्रॉब्लम्स आपको पेपर में मिलती हैं। डन है, कर लोगे यार? बेटा जितना बता रहा हूं सुन लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, बाद में तुम ही लोगों ने आगे दुआएं देनी है। तुम लोगों ने आगे कहना क्या सर क्या मतलब नजारे दिला दिए, हमारा दो क्वेश्चन भी कई बार रिजॉल्विंग पावर के एक ही शिफ्ट के एक ही पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो सुन लीजिए, इतना सी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और ऐसे ही अगर मैं टेलीस्कोप की बेटा बात करूं, तो टेलीस्कोप के केस में जो हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लेते हैं वो हम डिस्टेंस की नहीं लेते, वो हम एंगल की लेते हैं। तो आप मान लीजिए आपके पास एक स्टार है, स्टार वन, ये स्टोर लिख दिया मैंने, तो स्टोर नहीं है मेरे भाई, स्टार है। तो एक स्टार ले लीजिए, ये हमारा पहला स्टार है, दिस इज योर स्टार वन। ये हमारा दूसरा स्टार है, दैट इज बच्चों योर स्टार टू। तो दो स्टार हमारा जो है ना एंगल बना रहे हैं, इसको डी थीटा कह लो या डेल्टा थीटा कह लो, ये दो स्टार्स जो हैं आसपास जो पड़े हैं, डेफिनेटली इन स्टार की जो इमेजेस बनेंगी आई वन आई टू है ना, अलग अलग बनेंगी, और मैं इन इमेजेस को रिजॉल्व कर पाऊं, मैं इन इमेजेस को रिजॉल्व कर पाऊं, तो उसके लिए इनके बीच में एक कम से कम एंगल होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्स को ओवरलैप कर दो, इनके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा, इनकी इमेजेस भी ओवरलैप कर देंगे, तो आप उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो टेलीस्कोप के केस में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो एंगल होता है। तो इसको हम ऐसे बोल भी सकते हैं, इट इज एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो कम से कम वो एंगल जिससे आप उनकी इमेजेस को रिजोल्व कर पाओ। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा थीटा की, ये होती है 1.22 लैम्डा बाय ए लिख लो या डी लिख दो, आपकी अपनी श्रद्धा है। ए यहां पे है डायमीटर ऑफ द अपर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको हम कई बार अपर्चर भी बोल देते हैं, और ए जो है दैट इज द अपर्चर और डायमीटर जो आपको लगे, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना। तो सोच के देखो यार, मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगी रिजॉल्विंग पावर ए अपॉन 1.22 लैम्डा। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था टेलीस्कोप के केस में तुम अपर्चर बहुत बड़ी लेते हो, तो जितनी बड़ी तुम्हारी अपर्चर होगी, ऑब्जेक्टिव जितना हमारा बड़ा होगा, बिल्डिंग की पूरी छत होती है ऑब्जेक्टिव लेंस है ना। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसके अंदर तो एक सैटेलाइट की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है। तो इतना बड़ा अपर्चर आप लोगे उतना वो सॉलिड होगा, उतना उसका एबिलिटी टू रिजॉल्व दिस इमेजेस ऑफ स्टार जो होगी वो ज्यादा होगी, उतना उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक बात याद रखना, चाहे हमारा माइक्रोस्कोप है चाहे हमारा टेलीस्कोप है, डिनोमिनेटर में दोनों में 1.22 लैम्डा है, देख लो। तो एक तो ये वैसे ही रट्टा मार लो, डिनोमिनेटर में रिजॉल्विंग पावर में दोनों में 1.22 लैम्डा है, ठीक है। मतलब लैम्डा के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस न्यूमिनेटर अलग अलग है। यहां पे न्यूमिनेटर की वैल्यू है 2 म्यू साइन थीटा, और वहां पे जो है वो है अपर्चर अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। दैट्स इट, डन है बच्चों, सारी कहानी समझ में आ गई अपने को, ठीक है। तो आई गेस यार ये आज का सेशन था हमारा, ठीक है। एक सवाल अगर आप देखना चाहें तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वेरी लार्ज एरे ऑफ यू नो टेलीस्कोप जो नासा ने बनाया है हमारा, उसका स्पेशल अरेंजमेंट है विच गिव्स एन इफेक्टिव अपर्चर ऑफ, देखो यार अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट लिया है ना उन्होंने, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा लिया जिससे आपका अपर्चर जो है वो आपका बन गया 36 किलोमीटर, कितना बड़ा मतलब अपर्चर हो गया आपका, ठीक है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है तो मतलब ये एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये डेल्टा थीटा पूछ रहा है आपसे, एंगुलर लिमिट, टेलीस्कोप में एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 1.22 लैम्डा अपॉन अपर्चर, मतलब 1.22 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 10^-2, और ए जो है ये हो गया हमारा अपर्चर 36 किलोमीटर, तो 36 × 10^3, ये आप सॉल्व कर लो, ये एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, तो आपका आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू ये सॉल्व करके आएगी आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन अकॉर्डिंगली आप मार्क कर सकते हैं। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 3.4 × 10^-7 रेडियन, ठीक है। तो मेरे प्यारे टमाटरों, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। तो आज का सेशन जो था आपको पूरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस देने के लिए था, ताकि आपका ये जो टॉपिक है कहीं छूट ना जाए। और ऐसे ही बच्चों आपके हो सकता है, ये तो चलो मुझे लगा जो स्टैंडर्ड मुझे पता है कि बच्चे
वर्नियर कैलिपर्स, क्रू गेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये कैसे टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ देते हैं या जिनमें स्ट्रगल करते हैं। ये मेरी सोच थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, दुनिया में हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर बच्चा अलग है। तो यार देखो, अपनी तरफ से तो जो मुझे लगा मैंने आपको यहाँ करवा दिए आपके जेईई मेंस के पेपर से पहले। इसके अलावा आपकी हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक के अंदर डाउट हो सकता है, किसी बच्चे को इनऑर्गेनिक का डी ब्लॉक एफ ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा, पी ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स के अंदर ईएमआई एसी के अंदर दिक्कत आ रही है, मॉडर्न फिजिक्स दोबारा रिवाइज करना चाहते हो, तो हर बच्चे की एक अपनी अपनी एक वीक एरिया हो सकता है जो उसको वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप बेटा हमारा वेदांतु का 2700 रुपीज के अंदर पूरा क्रैश कोर्स ले सकते हो। इस क्रैश कोर्स के अंदर अब वे वैसे भी ऑन द फिनिशिंग मोड है, अगर आप, ये मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हो और अभी भी प्रिपरेशन में वो कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे, तो बेटा ये क्रैश कोर्स तुम्हें 100% लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो क्रैश कोर्स होगा आपका स्टार्ट, वो थोड़ा सा टाइम के बाद होगा, वो मिड ऑफ जून के आसपास स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली वो उन बच्चों के लिए है जो सेकेंड अटेम्प्ट में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को कैजुअली ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में परफॉर्म करना इजी होता है, ये सारी बातें आपको सेशन में कई बार बताई हैं। सेकंड अटेम्प्ट में डू और डाई सिचुएशन होती है, सभी बच्चे कूद पड़ते हैं तो सेम मार्क्स पे आपकी कट ऑफ ऊपर जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सेम मार्क्स पे बेटर परसेंटेज मिल जाती है, आपको कॉलेजेस भी बेटर मिल सकते हैं। तो हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट को कभी ग्रेस नहीं लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमेशा पूरी फाइट करनी है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से कर रहे हैं, आप वो कैंडिडेट हैं, इस क्रैश कोर्स में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी एक टॉपिक के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को। किसी बच्चे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, किसी बच्चे को मैथ्स के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कोई और टॉपिक आपका कॉनिक सेक्शन वीक है, तो आप अपने हिसाब से, है ना, हमने तो YouTube पे सब करवा दिया अपने हिसाब से, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कुछ अलग भी हो, तो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो, उसके थ्रू आप अपना वो सारा चैप्टर, रिकॉर्डिंग्स को फास्ट फॉरवर्ड करने की भी, स्पीड तेज करने की भी, 1.5x पे भी देखने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे एक तो सारी रिकॉर्डिंग्स प्लस वन और प्लस टू की मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको बेटा कॉन्टेंट मिलेगा, कंटेंट में आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं उस टॉपिक के। अब लास्ट मोमेंट पे सवाल तो 1000 मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस, मतलब वो 100 क्वेश्चन मुझे मिल जाए, 50 से 100 क्वेश्चन मुझे मिल जाए जो उस टॉपिक को पूरा एक मुझे अच्छी तरह से पैक कर दें, तो वो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो डिफाइंड जो होंगे वो आपको उस कॉन्टेंट के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। बेटा टेस्ट सीरीज तो कोई भी जो नॉन सिंसियर बच्चा भी है ना वो भी देता है। किसी बच्चे ने 2 साल कुछ नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे आगे टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन हर बच्चा करता है। अगर कोई बच्चा वो भी नहीं कर रहा तो मतलब फिर तो मतलब वो तो मतलब फिर तो ऐसे ही बैठा है, फिर तो मतलब भगवान भरोसे ही काम चल रहा है। तो टेस्ट सीरीज तो मतलब जो बच्चे कोचिंग नहीं भी लेते लास्ट मोमेंट पे, बहुत सारे बच्चे जब हम भी ऑफलाइन में होते थे तो मुझे आज भी याद है हमारे जितने बच्चे हम पूरे साल में पढ़ाते थे उससे डबल बच्चे टेस्ट सीरीज देने लास्ट के वीक्स में हमारे पास इंस्टीट्यूट में आते थे कि सर हम एक बार पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, फुल सिलेबस कैसे चलता है देख लें उसे। तो इसमें तुम्हें 10 फुल टेस्ट भी पूरे मिलेंगे, पार्ट टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी आपको 10 जो है वो पूरे नेशनल लेवल वाले जो वेदांतु पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके साथ आप वो भी टेस्ट दे पाओगे। तो यार ये सारी चीजें जो है ना आप अपनी जरूरत के हिसाब से, ये तो कंपलसरी है, बाकी जो सारी चीजें हैं आप अपने हिसाब से इन चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बैच आप ले सकती हैं, ये जैसे मैंने आपको बोला ये बैच आपका 9th मई को लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, तो लगभग ये फिनिशिंग मोड पे है, रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, तो आप कस्टमाइज करके इसे देख सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चा सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहा है डेफिनेटली वो ना ले, क्योंकि जो फिर अगला बैच होगा वो फिर प्रॉपर लाइव लेक्चर जो है शेड्यूल्ड जो भी उसको दिखेंगे अपने हर डेली बेसिस पे वो उसको यूज कर सकता है, वो उसको देखे, लेकिन ये बच्चा जो है वो जरूर इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी जैसे अच्छा हो आप उसे जरूर करिए। अपनी तरफ से तो हमने आपको बता दिया है कि ये हमारा ओपिनियन है, अगर आप सिंसेरिटी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट को दे रहे हैं तो आप इतने पैसों में सब कुछ पा रहे हैं, आप अपने हिसाब से, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजों को फेच कर लेंगे ऑन द स्पॉट, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज मैं यही सोचता रहा कि इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं, दिन खत्म हो गया, तो एक एक दिन कीमती है,
आपके पास सारी रेपोजिटरी होगी, आप अपने हिसाब से लगाइए, फटाफट देखिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो सब कुछ आपका यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, तो जरूर उस बच्चे को लेना चाहिए जो बच्चा थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सीरियस है और स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और लेना कैसे है वो आपको मैंने बता दिया, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाने। ठीक है, ये हमारी आज की प्यारी सी वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के नीचे आ जाइए, है ना, आ जाओ। लो जी, सब कुछ ही गायब हो गया, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। आजा भी आजा, हाँ ठीक है। तो जैसे ये हमारा बेटा आप करेंगे, यहाँ पे आप इसे क्लिक कर देना, लाइक कर देना एक तो प्यारी सी वीडियो को हमारी, और जैसे आप इसके नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा जेई 2022 क्रैश कोर्स लाइट इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में आपको हिंदी की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, इंग्लिश में आपको सारा जो डिलीवरी है वो भी आपकी, कॉन्टेंट तो सेम ही होता है, बस जो डिलीवरी का जो मोड है, पढ़ाने का जो तरीका है, इसमें इंग्लिश है, इसमें आपका हिंदी है, इसमें आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो अगर इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे 2700 रुपीज के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, कोड हमेशा बेटा याद रखो, वैसे तो ऑटोमेटिक रहता है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कोड हमेशा याद रखिए, कोड रहता है आपका VSJPRO। ठीक है, विनेशूर जेई प्रो, वैसे तो किसी का भी लगा लो आप, सब हमारे एक ही यहाँ पे भाई है। ठीक है, तो मोहित सर का लगा लो, अपने कालिया साहब का लगा लो, अरविंद सर का लगा लो, जिन्हें आप पैर से भाई कहते हैं, तो अगर ये कोड आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, विनेशूर जेई प्रो। ठीक है, तो बस यार बाय नाउ पे कर दो, 2700 का है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली साइन अप कर लेना, आपको 2700 रुपीज के अंदर ये सारा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास पेमेंट की और भी ऑप्शंस रहती है। ठीक है, जैसे आप चाहो, ये सेफ पेज होता है वेदांतु का, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वेदांतु की, तो आप वेदांतु का ही पार्ट बनेंगे, और ये नेटफ्लिक्स की तरह है, जैसे ही आप करोगे इमीडिएटली आपकी सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगी और आपको वो सारी रिकॉर्डिंग शेड्यूल में मिल जाएगी। तो कोई बच्चा चाहता है अभी 2 बजे कुछ करना, अभी करना है यार, अभी बस अभी अभी 1 घंटे बाद मुझे वो चैप्टर पढ़ना है, तो तुम्हें अभी के अभी वो सब कुछ सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तुम बाउंडेड नहीं हो, किसी पे डिपेंड नहीं करोगे, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, आगे तुम उसे जैसे यूज करना चाहो कर सकते। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, आई गेस आज का क्वेश्चन यही तक था। बाकी कोई अगर आपको और डाउट हो या कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो, डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें, और अगर किसी बच्चे का कोई एक रिक्वायरमेंट किसी दूसरे बच्चे को भी अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कर दिया करो। अगर हमें दिखता है कि यार इस कमेंट की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम बच्चों की है, ज्यादातर बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपके लिए सेशन ला दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, डन डन। पीडीएफ रात को अपलोड हो जाएगी, और ये जो है ये क्रैश कोर्स है, ये लॉन्ग टर्म बैच नहीं है। 2700 में बेटा क्या चाहते हो तुम, मतलब है ना, लॉन्ग टर्म भी इसी का ही भाई है, लॉन्ग टर्म में 8100 रुपीज का कोर्स होता है, तो आप लॉन्ग टर्म अगर अगले साल का देना चाहते हैं तो उसके अंदर पूरा साल आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स है, दिस इज अ क्रैश कोर्स, 1 मंथ बैच है। ठीक है, हाँ जी, डन है, चलिए, डन 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 डन। भारद्वाज जी बहुत बढ़िया, तो चलो यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, अगले सेशन में, जय माता दी, बल्ले बल्ले, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम करते रहो, बाय एवरीवन।